पीछे संभालो किसको और किसको आने वहां से आगे किसको बढ़ने के लिए तुम देख में खड़े बैठे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सतस्त्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सतस्त्री श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। कतकले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण सर्वप्रथम उन्होंने पुतना को वध किया है। देखो भगवान राम भी सर्वप्रथम भगवान राम किसको वध किया है बोल सकते हो? राम सबसे पहले किसको वध किया है बोलो? किसको वध किया? तारका को उन्होंने वध किया है। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले किसको वध किया है? पुतना को। देखो दोनों प्रभु ने करी करी एक ही लीला ही दोनों प्रभु ने की है। ये पुतना मतलब होता है पुत मतलब पवित्र और ना मतलब नहीं। अगर भगवान को हृदय में कोई बैठना चाहते हैं कहते सबसे पहले ये पुतना को मारो अपवित्रता को मारो। भगवान राम भी तारका को मारे। तारका मतलब होता है तार यति ते तारका जीव को जो भगाता रहता है। इसलिए जीव को कौन भगाता है? ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यही ही जीव को भगाता है। मानो दोनों प्रभु ने एक ही लीला की है। जीवों को शिक्षा देते हैं मेरे को हृदय में बैठाना तो सबसे पहले ये गंदगी को हटाओ फिर भगवान तुम्हारे हृदय में ठाकुर का निवास होगा। जब पुतना आ गई थी नंद बाबा को पता चला तो उन्होंने बड़ी कड़ी पहरादार लगा दी। बोले देखो जैसे तैसे एरे गेरे व्यक्ति को घर में घुसने मत दिया करना। इतने में भोले बाबा को पता चला मेरे प्रभु कृष्ण अभी गोकुल में कृष्ण बन करके आए। बोले प्रभु के सारे लीला तो हमें दर्शन किए लेकिन इनकी बाल्य लीला अभी तक दर्शन नहीं हो पाया। इसलिए शंकर जी बड़े सुंदर श्रृंगार करते हुए गोकुल में अलग निरंजन अलग निरंजन करते हुए पहुंचे। कहते शंकर जी को हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना। लेकिन इस शंकर जी को तो सुंदर कहते हैं लेकिन उनका ऊपर का जो बेस है ना बड़ा अपवित्र लगता है। शरीर में क्या लगाते हैं? बहुति। कहाँ के? कहीं पवित्र नहीं शमशान के लगाते हैं। बोले क्यों? क्या उनको कोई बढ़िया कोई पाउडर मिला नहीं कोई क्रीम मिला नहीं शंकर जी को? लेकिन जो शंकर जी या आदि गुरु है शंकर जी ये भगवान की प्यारे भक्त श्री भोले बाबा इसलिए ये गुरु रूप में जीव को शिक्षा देते हैं। बोले देखो जिस इस शरीर को तुम ब्यूटी पार्लर में लेकर के इतने बढ़िया सजाते हो जीव में जा करके तुम एक्सरसाइज करते हो रोज बढ़िया बढ़िया साबुन शैम्पू से जिस शरीर को तुम स्नान कराते हैं ना इसका परिणाम है एक दिन ये दो मुठी राग है। इसलिए गले में शंकर जी हड्डी की माला धारण करते हैं। बोले क्यों? बोले शरीर का जो नतीजा ये दो टुकड़े हड्डी है। इसलिए शंकर जी चंदन नहीं लगाए। बोले क्यों चंदन नहीं लगाते? बोले चंदन तो मेरे प्रभु बांके बिहारी और राम की सेवा में लगेगा। अगर मैं चंदन लगाऊंगा तो मेरे भक्त क्या करेंगे? सारे चंदन ला करके मेरे को लगाएंगे मेरे प्रभु की सेवा में कमी हो जाएगी। इसलिए शंकर जी सेवक है इसलिए उन्होंने सेवा की शिक्षा देते हैं। कहते शरीर में कौन सा अलंकार धारण करते हैं? कोई सोने चांदी हीरे जवाहरात नहीं। देखना शंकर जी के गले में सर्प है
कमर में भी सर्प है, हाथ में भी सर्प है, सारा शरीर में शंकर जी ये सर्प को ही श्रृंगार बना करके रखे, बोले कारण क्या है। यदि जो सर्प है वो कोई साधारण सांप नहीं है, यदि ये श्री भगवान से अनंत देव, यदि अनंत देव कौन है, बोले ये शंकर जी के गुरु है। इसलिए शंकर जी शिक्षा देते हैं, अगर अलंकार धारण करना तो गुरु जी की उपदेश को जीवन में अलंकार रूप में धारण करो, जिससे भी तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगी। इसलिए शंकर जी के सर को ऊपर में कौन सा फूल चढ़ाते हो, अधूरे और आकंद, जो वृक्ष को कोई नहीं लगाते, जंगल में होता है वो बड़े जहरीले है, लेकिन वो बेली चमेली ये बढ़िया बढ़िया फूल क्यों धारण नहीं करे, बल्कि ये तो मेरे प्रभु की सेवा के लिए, मेरे प्रभु की सेवा के लिए ये वस्तु, मैं तो अपने आप जो जंगल में होता है उसको ही मैं धारण करता हूँ। इसलिए शंकर जी भगवान की सबसे प्रिय जो भगत है ना, ये श्री शंकर जी है। इसलिए भागवत में बताए वैष्णवानाम यथा संभो, भगवान के प्रिय शंकर के बराबर जगत में प्रभु का कोई प्रिय नहीं। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं सीम सम को रघुपति व्रतधारी, शंकर जी के बराबर जगत में कौन हो सकता है जो भगवान के राम की सेवा कर सके। इसलिए शंकर जी ने देखा कि ये शंकर जी के शरीर में ठाकुर को तो सेवा होगा नहीं, जब प्रभु राम बन करके आए कहते तो रुद्र देहत जी नेह बस वानर भय हनुमान, शंकर जी हनुमान बन करके आए और राम की चरण की उन्होंने सेवा की। जब कृष्ण बन करके आए शंकर जी गोपीश्वर महादेव बन करके आए ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए, जब श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए फिर शंकर जी श्री अद्वैत आचार्य बन करके आए और भगवान को साक्षात गोलोक वृंदावन से धराधाम में प्रकट कर दिया शंकर जी। इसलिए शंकर जी के बगैर प्रभु का कोई भी लीला नहीं होता है। इसलिए शंकर जी भगवान की सबसे प्रिय भक्त है, लेकिन जो भक्त होते हैं ना वो अपने आप को छुपाना चाहते, वो छपवाना नहीं चाहते, अपने आप को छुपाना चाहते हैं। इसलिए शंकर जी जाकर कहाँ बैठे गए, कैलाश में बर्फ के ऊपर में बैठे गए शंकर जी, क्यों छुपवाना चाहते हैं, लेकिन शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं सके। कारण क्या, बोले शंकर जी को पास में सबसे बड़ा पवित्र वस्तु है। बता सकते हो शंकर जी को पास में कौन सा पवित्र वस्तु है जिस वजह से शंकर अपने आप को छुपा नहीं सके, कौन बोल रहा है, शंकर जी को पास में बोलो सबसे पवित्र वस्तु क्या है, अरे बोलो जोर से, कोई बोल नहीं रही, हाँ उनकी जटा में श्री पतित पावन भगवान की चरणा में बसी गंगा मैया की। इसलिए उनकी जटा में उन्होंने गंगा देवी को धारण करके रखे, इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं सके। इसलिए शंकर जी जब बड़े सुंदर श्रृंगार करके आए, इतने में वहां पर तो कड़ी पहरादार लगा हुआ था, इतने में एक गोपी ने, शंकर जी ने गोपी को बोले मैंने सुना है नंदक घर में का लाला भयो है, बोले लाला भयो तो तेरे कहाँ भयो है, बोले थोड़ी सी लाला को दर्शन करा दो, बोले बाबा उस दिन पहले पुतना आ गई थी, वो तो बड़ी सुंदर ठनबन करके आई थी, लेकिन निकली वो राक्षसी, अब तू तो देखने में बेस लग रहे हो, तेरे को देख कर तो मेरा जी घबरा रहा है, और लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, भैया लाला को दर्शन नहीं होएगा। उनने जाकर मैया जसोदा को बोलती, बोले मैया कहाँ से के बाबा आए हो, कहते लाला को दर्शन करा दे, जिसको देख कर तो मैं डर गई। इतने में मैया आई, बोले बाबा कहाँ बात है, बोले मैया थोड़ा लाला को थोड़ा दर्शन करा दे, बढ़िया आशीर्वाद दूंगो लाला को, बोले बाबा कुछ दिन पहले पुतना आ गई थी है, और तू तो देखने में वैसे लग रहे हो, तेरे को देख कर भी डर रही हूँ, मेरे लाला को जब बड़े जल्दी नजर लग जाती है। शंकर जी सोच रहे, बोले देखो भैया जिनकी डर से काल स्वयं थर 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 कांपते हैं, जिनकी आदेश पर विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, मैया कहती मेरे लाला को डर जाएगा, इनको पता नहीं ये लाला कौन है। मैया बोले भैया सोना चांदी जो लगेगा लो अपना रास्ता देखो, लाला को दर्शन नहीं होगा। मैया तो कान्हा को लेकर घर में छुपा दी, हे शंकर जी वहीं पर त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, बोले जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे ना यहाँ से भगने वाले नहीं, यहीं पर बैठ जाऊंगा, बोले यहीं पर बैठ जा, हमारे चार दरवाजा है,
मैं पीछे दरवाजे निकाल दूंगी। बोले मैं भी चार रूप, बोले मेरे 11 दरवाजा, बोले मेरा भी 11 रूप है, 11 दरवाजा पर मैं बैठ जाऊंगो, जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे ना मैं जाने वाला नहीं। ए शंकर त्रिशूल गार करके धुन जमा कर वही बैठ गए और ठाकुर जी को शंकर जी स्मरण किए। बोले ठाकुर जी तेरे सारे लीला को मैंने देखा है, लेकिन तू भगवान हो करके तेरे जो बाल्य चरित्र अभी तक मैंने दर्शन नहीं किया। तुमको भूख लगने पर तू रोते हो, मैया तेरे को दूध पिलाते हैं, अगर तुमको मच्छर काटे तो मच्छर भी नहीं भगा पाते हो। ठाकुर जी एक झलक दर्शन करा दो, भगवान भक्त वत्सल है। अभी भक्तों को दर्शन देने के लिए श्री कृष्ण रोना प्रारंभ कर दी। मैया जितने थपथपी लगाई उतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कृष्ण रोए, पूरा परिवार तंग हो गए। बोले क्या हो गया लाला को, आज रोना क्यों बंद नहीं हो पा रहा है। एक गोपी ने कहा भैया वो जो बाबा आया ना वो वहीं पर बैठा हुआ आग बंद करके, लगता है तेरे लाला के ऊपर कुछ जादू टुना कर रहा है। वो कहता है लाला को दर्शन नहीं कराओगे तो जाने वाला नहीं। तेरे भैया काले कपड़े से ओढ़ करके काला यहाँ पर काजल का बूंद लगा दी, मोटी मोटी काजल लगा करके बड़े कष्ट से लाला को लाई। बोले बाबा तू बड़ा अकड़ है, ले दर्शन कर। जब एक झलक दर्शन कराया इतने में तो कृष्ण खिलखिली लग हंसने लगे, शंकर जी हंस रहे थे, शंकर जी रोना शुरू कर दिया। मैया ने सोचा ये बाबा जरूर कुछ जानता है, ये चादर रोना जानता है। अभी तक तो लाला रो रहा था, लेकिन ये लाला को रोना देख करके अपना हंसना ले लिया। अगर माताओं को पता चले ना ये बाबा कुछ जानता है, बोले भैया मेरे तो हाथ खड़ा देख लो, बताओ मेरे भविष्य के माताएं तो घेर गई। इतने में बोले बाबा बाबा तू कुछ जादू थोड़ा जानते हो लगता है, मेरे लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, कोई उपाय है। बोले एक काम करोगे ना तेरे लाला को कभी जादू टुना ही नहीं लगी। बोले बाबा बता दो। बोले जब तेरे लाला को स्नान कराओगे उसका जो चना मृत ला करके मेरे सर पर डाल देना। बोले बाबा ठीक है कर दूंगा, और कुछ करना पड़ेगा। बोले और एक काम करोगे ना कभी भी तेरे लाला को नजर ही नहीं लगेगा। बोले बता दे। बोले जो लाला को तुम भोग लगाओगे उसका प्रसाद ला करके मेरे को दे देना। देखो ये 5,500 साल की बात है, अगर आप कभी नंदगांव जाओगे ना देखना वहां पर एक जोगिया कुंड है जहाँ पर शंकर जी जोगी बन करके अभी भी शंकर जी बैठे ठाकुर को दर्शन की लालसा में। नंदगांव गए हो, कौन नंदगांव गए हो देखना, जब सीढ़ी में चढ़ कर के जाओगे ना वहां पर देखोगे कि शंकर जी जिनका नाम नंदीश्वर महादेव, वो जो पर्वत है वो पर्वत नहीं स्वयं शंकर जी पर्वत रूप धारण किया है। अभी भी ठाकुर जी को जो स्नान कराएंगे उसका चरणामृत सीधा शंकर जी के पास में आएगा, उनका सर पर डालते हैं। बोले क्यों, आप लोग देखोगे जो कांवर होते हैं ना गंगा पानी लेकर के शंकर जी के सर पर डालने के लिए जाते हैं ना, वो क्या है गंगा क्या है, ये वामन देव का चरणामृत है। और ये कौन, बोले भगवान कृष्ण। इसलिए भगवान के सबसे प्यारा क्या है, बोले ठाकुर का चरणामृत है। फिर ठाकुर जी का जो भोग लगता है वो सीधा प्रसाद का प्लेट श्री शंकर जी को पास में आएगा। देखो जब कोई वस्तु, ध्यान देकर सुनो एक शिक्षा लेकर के जाओ, जब कोई वस्तु ठाकुर जी को कृष्ण नहीं तो राम को भोग लगता है वो प्रसाद होता है, लेकिन वही प्रसाद जब भगवान किसी प्यारे भक्तों को भोग लग जाए ना वो प्रसाद नहीं वो महा महा प्रसाद हो जाता है, महा महा प्रसाद हो जाता है। शंकर जी कौन है, बल्कि भगवान के प्यारे भक्त है। माँ देवी कौन है, ये वैष्णव ही है, शंकर जी वैष्णव है। इसलिए नियम है अगर कोई चीज भोग लगाओ ना पहले शंकर जी को नहीं, देवी को नहीं, हनुमान जी को नहीं, गणेश जी को नहीं, सबसे पहले कृष्ण नहीं तो राम नहीं तो नारायण, ये तीनों को किसी एक को भोग लगा। भोग लगा करके फिर वो प्रसाद अगर शंकर जी को देवी को गणेश जी को हनुमान जी को खिलाओगे वो बड़े प्रसन्न होते हैं। आप बताओ जैसे राम दरबार लगा हुआ हनुमान जी कहाँ बैठे रहते हैं, राम के चरण में, राम जी के चरण में, वो राम के सेवक है। लेकिन कुछ कुछ माताएं क्या करती हैं, लड्डू लेकर के ना हनुमान की मुंह में ठोसते हैं, हनुमान खा लो। अरे हनुमान क्या भूखे तेरे लड्डू खाएंगे, एक मन किया 100 मन भी लड्डू रख लोगे ना हनुमान देखेंगे नहीं। हनुमान कब खाते हैं, सबसे पहले प्रभु राम भोजन करेंगे, उसको बाद में माँ जानकी भोजन करेगी,
फिर लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ग्रहण करेंगे, उसको बाद में हनुमान लेते हैं। उसको पहले हनुमान हजार लड्डू भी रख देने पर उसको प्रति देखेंगे नहीं, लेकिन अगर प्रभु राम सीता को भोग लग गया ना, हनुमान को खिलाने का जरूरत नहीं, हनुमान लपक कर खा लेंगे, हनुमान जी लपक करके खा लेंगे उसको, ठीक है ना। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुना, इसमें बहुत सीखा है, ये पद्म पुराण की कथा है। बोले एक समय श्री नारद जी को पता चला, अगर कोई भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करता है, ये संसार का जन्म मृत्यु चक्र खत्म। तो उन्होंने प्रभु नारायण को पास में गए, बोले प्रभु थोड़ी सी आपका अधरामृत देंगे। बोले नारद जी, ये मैया लक्ष्मी खाना बनाती है, वो मेरे को खिलाती है, वो क्या करती नहीं करती लक्ष्मी को पता, तो लक्ष्मी को पास में जा। जब लक्ष्मी को पास में गई, बोले तू कहाँ से आ गया, कितने कष्ट से मैं खाना बनाती हूँ, ठाकुर जी प्रसाद पाने के बाद जो छोड़ देते हैं उसको मैंने प्रसाद रूप में ग्रहण, तू बीच से कहाँ से आ गया, प्रसाद प्रसाद कुछ मिलेगा नहीं, भागो यहाँ से। नारद जी फिर गिड़गिड़ाते हुए नारायण के पास में गए, बोले मैया तो मेरे को भगा दी। बोले प्रसाद बनाना चाहते हो, बोले हाँ। बोले कुछ करना पड़ेगा, करोगे, बोले प्रभु जो आदेश हो। बोले तेरे को मैं एक रहस्य बात बताता हूँ, मेरे मंदिर को पीछे के कुआ है, वो ढका हुआ है, वो ढक्कन को खोल करके तुम उसमें स्नान करो, स्नान करने के बाद एक बड़ी सुंदर तू गोपी बन जाओ, फिर वो गोपी स्वरूप को लेकर के तुम माँ लक्ष्मी को पास में जाओ और इतनी चरण की सेवा करो, इतने चरण की सेवा करो लक्ष्मी जैसे दिए बगैर कुछ रह नहीं सके। फिर जब देने के लिए कोशिश करेगी ना, ऐसे लेना नहीं, उनको तीन बार कसम खिलाना, कसम खिला करके अगर प्रसाद मांगोगे तो मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। अभी नारद जी सोच नहीं सकते, कितने हजार साल तक उन्होंने ठाकुर जी माँ लक्ष्मी की चरण सेवा की। देखना अगर किसको कुछ पाना पाने का इच्छा होता है ना, जितना करनी चाहिए ज़्यादा करता है। आप लोगों तो माताएं हैं, अगर किसी बात पर मनाना ना पति को, किससे कोई चीज़ पति से पाना चाहते हो मनाना, क्या करती हो, जितना करनी चाहिए ज़्यादा करती हो, पति को पता चल जाता है कि ज़्यादा क्यों कर रही है, दाल में कुछ काला है, ये इतने क्यों कर रही है, उसको पता चल जाते हैं ये कुछ मांगना चाहती है, तभी वो इतने कर रही हैं। इसलिए वो इतने सेवा की, लक्ष्मी बोली बहुत तो मेरी दासी हुई लेकिन तेरी जैसे दासी कोई नहीं हुई, मैं प्रसन्न हूँ, मेरे से जो मांगो मैं सो देने के लिए तैयार हूँ। बोले तीन बार कसम खाओ, जब कसम खाई तब नारद जी बोले ठाकुर जी की प्रसाद दो, ठाकुर जी की हमें अधरामृत दो। वो समझ गई ये कोई साधारण नहीं, क्योंकि भगवान के प्रसाद की महिमा सब नहीं जानते। बोले बताओ, ये बताओ तुम सचमुच से है कौन, लगता है तेरे ये असली रूप है ही नहीं, ये तुम्हारी नकली रूप है, क्योंकि इतने दिन से तुम इतने सेवा कर रही थी, इतने सेवा क्यों कर रही थी, मैं समझ गई थी दाल में कुछ काला है, क्योंकि ठाकुर का प्रसाद का महिमा सब नहीं जानते हैं, बताओ तुम असलियत तुम्हें है कौन। तब श्री नारद जी वहां प्रकट हुए, श्री नारद जी वहां प्रकट हुए, बोले हाँ तुमने ठाकुर का प्रसाद लेने के लिए पहले आया था ना। बोले हाँ। बोले तुमको ये रास्ता किसने बताया, बोले ठाकुर। अरे वो कसम खा चुकी थी, जब ठाकुर जी की प्रसाद सेवा हो गई, जो दाल चावल रोटी सब्जी थी माँ लक्ष्मी सब मिला करके नारद जी को हाथ में प्रसाद दिया, ए नारायण का प्रसाद पाते ही नारद जी इतने प्रसन्न हुए, ए नाचते 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 कैलाश में पहुंचे, वहाँ शंकर जी ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। बोले आज नारद जी इतने क्यों आनंद में नाच क्यों रहे। बोले नारद जी बाबा क्या बात है, आज इतने क्यों नाच रहे हो। बोले ठाकुर का कितने हजार साल के बाद में ठाकुर जी का हमें प्रसाद मिला। बोले देखो प्रसाद बांट कर खाने चाहिए, तब वैकुंठ जाते हैं, मेरे लिए कुछ लाए कि नहीं। बोले कितने हजार साल के बाद में हमें थोड़ी सी प्रसाद मिला है। बोले जो कुछ मिला है लेकिन मेरे लिए कुछ लाए कि नहीं। बोले मैंने सब कुछ खा लिया। बोले देखो ना तुम्हारे हाथ में लगा हुआ होगा। तो उन्होंने देखा उनको हाथों में एक खिड़का का बोले चावल लगा हुआ। बोले भैया प्रसाद इतना बहुत होता है, इतने में शंकर जी एक खिड़का खाए तो शंकर तो तांडव नृत्य शुरू कर दी, एक कैलाश जगमगाने लग गई। माँ पार्वती थी, बोले आज शंकर नारद जी इतने आनंद में क्यों नाच रहे हैं। बोले प्रभु क्या बात है, आज इतने क्यों खुश हो। बोले ठाकुर जी की प्रसाद हमें मिला।
बोले देखो मैं अर्धांगिनी हूँ, स्त्री अर्धांगिनी ना, इसलिए आपको जो कुछ मिलेगा उसमें आधा हिस्सा मेरी है, मेरे लिए थोड़ा प्रसाद रखा कि नहीं। बोले एक खिड़का था, बोले जो कुछ हो आधा हिस्सा मेरी है। बोले तो मैं खा चुका हूँ। इतने में माता पार्वती को तो बड़ा क्रोध आया, बोले ये नारद जी बड़ा स्वार्थी है, मिला तो अकेला प्रसाद खा लिया, मेरे शंकर जी को मिला वो भी खा लिया। माता पार्वती बोली और मैं कैलाश में नहीं रहूंगा, मैं ये कैलाश छोड़ करके मरते जगत में जाऊंगी। जब भगवान को पहला भोग लगेगा श्री जगन्नाथ जी की, सबसे पहले मुझे मिलेगा फिर ये प्रसाद, फिर ये दुनिया को फिर प्रसाद मिलेगी। इसलिए माँ पार्वती उन्होंने कैलाश को त्याग दी। आप लोग कोई जगन्नाथपुरी गए हो? जगन्नाथपुरी गए? कौन कौन गए? दो तीन कौन जाना चाहते हो? हाँ सबको ले जाएंगे, ठीक है। माँ जगन्नाथ जी रथ यात्रा में सब प्लान बना करके सबको पूरी यात्रा ले जाएंगे। इसलिए बोले जय जगन्नाथ महाप्रभु की। आप कभी जगन्नाथपुरी जाओगे ना, देखोगे ठीक जगन्नाथ जी की मंदिर के पीछे माँ विमला बैठी थी, जैसे माता जी की बाहन पीठ है ना, जब उनको चक्र से ठाकुर जी ने काटे एक अंग गिरा, वहां पर उनकी चरण गिरी है, वहां माँ पार्वती वहां पर विमला रूप में। जब श्री जगन्नाथ जी को प्रसाद भोग लगता है, भगवान जगन्नाथ जी कृष्ण है, पर सीधा वो प्लेट आएगा माता देवी को मंदिर में। पर ये माता देवी जब पाएगी, वो कसम खा करके आई थी, मैं तुम्हारी दोनों जैसे स्वार्थी नहीं बनूंगी। माँ को ममता कहते ना, माँ बोलो ना मुंह खुल जाती है, माँ बोलते क्या था मुंह खुल जाती, मतलब क्या भैया जरूर कुछ भजन कराएगी। इसलिए माँ दयालु है, भैया पहले खा लेती ना, क्या करती, पहले पति को खिलाएगी, बच्चों को खिलाएगी, सास ससुर सबको खिला करके माँ क्या करती है, लास्ट में माँ भोजन करती है। इसलिए वहाँ अभी नियम है और प्रतिज्ञा करके आई थी, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, वो दुनिया को जगन्नाथ का प्रसाद मैं खिलाऊंगी। वहां पर जाओगे माता जी भोजन करने के बाद जितने लोग वहां पर खड़े होंगे, वो प्रसाद को सबको देना पड़ता है, वो प्रसाद सबको देना पड़ता है। देखो यहाँ से एक चीज सीखा लेकर के जाओ, ऐसे नहीं कथा खत्म और तुम भी खत्म। ये सीखा लेकर के जाओ, कोई भी खाना हो सबसे पहले खाना को भोग लगा, किसको भोग लगाओ, कृष्ण को भोग लगाओ, अगर राम हो गए तो राम, नारायण होगा तो नारायण, इनको भोग लगाओ। पर यही प्रसाद आप माता देवी को भी भोग लगाओ, श्री भोले बाबा को भी भोग लगाओ, गणेश जी को भी भोग लगाओ, श्री हनुमान जी को भोग लगाओ, वो बड़े प्रसन्न होकर खाते हैं। कभी जगन्नाथ पुरी जाने का अगर सौभाग्य मिला, देखना जगन्नाथ जी का मंदिर था मेन में, 33 करोड़ देवता चारी तरफ में बैठे हुए, 33 करोड़ देवता। जब जगन्नाथ जी को भोग लगता है, वहां पर एक नियम है, एक व्यक्ति जो करताल है ना, वहां पर बहुत बड़ा निजाम होता है, उसको लेकर के ऐसे लेकर के पूरा मंदिर की चारों तरफ में 33 करोड़ देवता बैठे हुए, लेकर के जोर जोर से बजा बजाएगा, मतलब क्या, हे देवताओं ठाकुर जी को भोग लग गया है, आप सबके सब आओ ठाकुर जी की प्रसाद पाने के लिए आओ। वहां पर 33 करोड़ देवता श्री जगन्नाथ जी की प्रसाद को सेवन करते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज हो, हनुमान जी को नहीं, शंकर जी को नहीं, पार्वती को नहीं, गणेश जी को नहीं, सबसे पहले किसको दोगे, जो भगवान कृष्ण को दोगे, नहीं तो भगवान राम को दोगे, वो प्रसाद फिर जितने देवाधरी बैठे हुए उनको प्रसाद दो ना, वो प्रसन्न होकर के जो मांगोगे ना सब इच्छा तुम्हारी पूरी कर देगी। बोले श्री महाप्रसाद की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। इसलिए अभी कृष्ण कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बोले कृष्ण कितने बड़े हो गए? बोले 3 महीना को हो गए। जब बच्चा देखना 3 महीना को हो जाए, बच्चा करवट लेता है। एक दिन लाला ने करवट ले ली, मैया तो को इतने खुश हुई, लाला का शरीर में ताकत आ गया, लाला करवट लियो है, आज करवट लेने का उत्सव मनाऊं। उनने सारे ब्रज गोपियों को नौता दे दी, नौता दे करके और वहां पर घर को अपना आंगन को साफ सुथरा करके जितने दूध दही थी एक बैलगाड़ी को ऊपर रख दी, और जितने ब्रज गोपियां थी और सबके सब बैठ कर कीर्तन कर रही थी, और कृष्ण को लेकर के बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी। बोले क्यों? बोले माताएं आकर के कीर्तन गाएगी,
लाला का कच्चा नींद नहीं टूट जाए। अगर टूट जाएगा तो अभी अकेले घर में मैं हूँ, उसको कुछ देना लेना करे, अगर लाला को संभालू ना इनको मैं संभालू। इसलिए मैया जसोदा जी लाला को बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी और गोपियां बैठ करके बोले जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला आए गोकुल में आयो रंग लाला गोकुल में आयो रंग लाला आए गोकुल में आयो छोड़कर के इसीलिए आया अपना नाम का रस का आस्वादन करने के लिए और उत्सव मेरे लिए मेरा ही नाम और सब कुछ मेरे और मेरे को कहां लेटा दिया बैलगाड़ी को नीचे
अभी कृष्ण अपना भजन का आनंद लेने के लिए कृष्ण जा रहे हैं। क्यों? कल हम सुन रहे थे ना, भगवान का कीर्तन यद्यपि हमें आनंद लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद किसको लगता है? ठाकुर जी को। इसलिए ठाकुर स्वयं कहते हैं, मेरे भक्त मेरे जहाँ कीर्तन करते हैं वहीं रहता हूँ। ठाकुर अभी अपना कीर्तन का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन ठाकुर का उम्र कितना है? कितने दिन के हो गए? 3 महीना। अभी घुटन पर भी ठाकुर जी को चलना नहीं होता, आज उन्होंने करवट लिया है। लेकिन कृष्ण आए कैसे? बोले बाला नाम रोदन अंकल। बच्चे अगर रोते हैं ना, फिर मैया आकर के उठा करके ले जाती है। कृष्ण ने सोचा अगर मैं छोटी सी रो लू, हो सकता है मैया मेरे को उठा करके ले जाएगी। कृष्ण थोड़ा रोना शुरू किया, लेकिन मैया की कान में पड़ा नहीं, क्योंकि कीर्तन हो रही थी। फिर मैया लेन देने में लगी हुई, कृष्ण रो 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 कर ना कृष्ण एकदम थक गए। बोले भैया कितना रो, इतना तो रो लिया, तब भी मैया मेरे को उठा करके ले नहीं जा रही है। इतने में कृष्ण की किया इच्छा, मैं आकर के कीर्तन का भी आनंद लूं। इतने में कृष्ण की इच्छा शक्ति जोग माया कंस को प्रेरणा की। इतने में कंस ने एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम था शकटासुर। ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। एक दिन उसने एक ऋषि की आश्रम में प्रवेश करके सारे पेड़ पौधा को तसमच कर दी। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले ठाकुर जी इसलिए तेरे को मोटे छोटे इतने लंबे चौड़े बनाए, ठाकुर और संतों की बात को उजाड़ने के लिए? तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, जिस शरीर में तेरे इतने अहंकार और तुमने संत और ठाकुर जी की बात को उजाड़े, अभिशाप देता हूँ तेरे शरीर रहेगा नहीं। अभिशाप दे दिया तो उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लग गया, सारे नशा उतर आया, संतों के चरण में गिर पड़ा। बोले बाबा अपराध हो गया, माफ कर दो। संत दयालु हुए, बोले ठीक है माफी तो मांग लिया, द्वापर युग में कृष्ण जब आएंगे उनकी चरण की स्पर्श से उद्धार होगा। वही अभी शकटासुर बन करके आया, देखा कृष्ण कहाँ पर, देखा बैलगाड़ी को नीचे ठाकुर जी लेट रहे। उसने उसका तो शरीर था नहीं, और उसको ऊपर सवार हो गया। सोचा धीरे 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 दबाते दबाते ऐसे दबा तो कृष्ण पिस जाए। कृष्ण ऊपर देखा, बोले मामा आ गए। कल से मामा, उनका संबंध सब मामा लगते हैं। बोले मामा कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जब सवार होकर धीरे 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 नीचे कर रहे थे ना, कृष्ण अभी 3 महीना के ऐसे ठोकर मारी, हे कृष्ण का चरण लगते ही जो बैलगाड़ी थी ना एकदम पलट गई, जितने दूध दही मक्खन सब के सब तसनस हो गया। इतने में सब गोपियां बैठ कर कीर्तन कर रही थी, कोई आंधी तूफान नहीं तो ये पलट पलटी कैसे, सब के सब इकट्ठे हो गए। इतने में सखाओं ने ये चीज को देखा था, कृष्ण की चरण की स्पर्श से पलट गई। सखाओं ने तोतली तोतली बोली से बोले, बोले माँ 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 हम 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 हम, बोले गाड़ी कैसे 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 पलट गई कैसे? बोले कान्हा की चरण की ठोकर से। मैया बोली लगता है भांग की गोला खा ली। अरे लाला अभी 3 महीना का आज करवट लिया और इसकी चरण की ठोकर से गाड़ी पलटी गई। लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुआ, फिर मैया ने लाला को वहां से उठा करके ले गई, फिर कीर्तन को बीच में लेटा दी और गोपियों ने फिर भजन गाए, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला दिली तेरी पगड़ी। इसलिए कृष्ण तो खुश हो, कृष्ण प्रसन्न हो गए। बोले भैया मैं तो पहले यही चाह रहा था, अगर पहले मेरे को ले आते तो इतना नटखट नहीं करता। देखो इसमें सिख्या क्या है, इसमें सिख्या है जैसे यहाँ उत्सव हो रही थी, लेकिन कृष्ण को यहाँ से उत्सव से अलग कर दिया। कहाँ लेटा दिया, कहाँ लेटा दिया? बोले बैलगाड़ी को नीचे है, इसका मतलब है ठीक, बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी। इसका तात्पर्य है अगर हमारे घर में कोई उत्सव हो रही है, देखो माता ध्यान दे कृष्ण, घर में कोई उत्सव हो रही है, अगर हमने भगवान को यहाँ से अलग कर दिया, कहाँ लेटा दी? बैलगाड़ी को नीचे। घर का सामान को कहाँ रख दिया? बोले बैलगाड़ी के ऊपर, मतलब अपना सांसारिक विषय को तो ऊंचा कर दिया, लेकिन भगवान को कहाँ? नीचे लेटा दिया। पर ठाकुर जी क्या कहते हैं, अगर मेरे को नीचा कर दोगे ना, अपना सांसारिक वस्तु को अगर ऊंचा करोगे, ऐसे में ठोकर मारूंगा ना सब सत्यानाश कर दूंगा तुम्हारे। मतलब क्या है, घर में अगर बच्चे का तुम बर्थडे बना रहे हो, क्या करो? बच्चे के लिए तो सबके सब उपहार देते हैं, कपड़े लता, लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं। वैसे बैठूंगी ठाकुर जी 10 दिन से कपड़ा पहन कर बैठूंगी,
बोले ठाकुर तो पहन ही रखा, ठाकुर को तो इतना कपड़ा, बोले तुम्हारी कितना कपड़ा तो गाल में रखा। इसलिए कोई भी उत्सव हो ना, अपना लिए पहले गलती मत करो, अपना बेटे के लिए नहीं, पहले देखो ठाकुर के लिए घर में है कि नहीं, ठाकुर के लिए है कि नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं जैसे अपना शरीर को अच्छे तरह से सजाओ बढ़िया करके और शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना जैसे शरीर को सजाओगे ना ये परछाई भी अपने आप सज जाएगी, परछाई को सजाने का जरूरत नहीं। इसका मतलब है अगर ठाकुर को आप देख लेना जितने सुंदर ठाकुर को खाना खिलाओगे। हम क्या करते हैं अपना शादी का साला ग्रह, नहीं तो शादी हो रही बच्चे का बर्थडे, खुद यार दोस्तों को बुला करके प्याज लहसुन डाल करके, नहीं तो कितना बोतलों तोड़वा देते हैं, कितने जानवर को मार करके खिला देते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ, ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं। जिसने सब कुछ तुमको दिया उसके लिए हम कुछ नहीं करते और सारा दुनिया को बुला करके पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं। नहीं, सबसे पहले किसको देखो, दुनिया को मत देखो, पहले किसको देखो, पहले पहले ठाकुर जी को देखो, ठाकुर को बढ़िया खिलाया कि नहीं, ठाकुर के लिए प्रसाद बना कि नहीं। अगर ठाकुर खुश हो गए ना अपने आप खुश हो जाओगे। कहते जस्य तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, ठाकुर खुश हो गए एकदम तुम स्वयं खुश रहोगे। इसलिए सबसे पहले किसको देखनी चाहिए बोलो, शिक्षा लेकर जाओगे ना इसे कथा खत्म ना तुम खत्म हो जाओगे। हम इतने खोपड़ी मार रहे हैं तुमको एक चीज समझाने के लिए, हम चाहते हैं सात दिन के बाद में इतने ज्ञान मिले तुम्हारी जीवन पूरा परिवर्तन हो जाए, तुम एक एक गोपी बन जाओ सबके साथ हैं और गुजरी तो हो ही हो, इसलिए तुम्हारी जीवन बदल जाए, घर तुम्हारी भगवान का धाम बन जाए, घर में कीर्तन पूजा पाठ घर में एकदम घर घर में ठाकुर का भजन बुझाओ, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। एक समय भैया लाला को देखना माताएं क्या करते, बच्चे को कभी कभी लेकर ना उछालते ऊपर। एक दिन भैया लाला को उछाल रहे थे, कृष्णा सोच रहे क्या भैया कर रही है थोड़ी सी ऊपर उछाल रही है, मैं चाहता हूँ कुछ दिन बाद में जब बड़ा हूँ ना घर घर में मक्खन चोरी करूंगा, अभी किधर जाऊँ अगर गोपियाँ पकड़ने के लिए आए तो किधर भागूं, इसलिए मैं चाहता हूँ कोई एक एरोप्लेन आ जाए और बैठ करके ना थोड़ा आकाश में उड़ जाऊँ और थोड़ा घूमाऊँ। भैया कहाँ गली किधर है, गली किधर है। अभी कृष्ण की इच्छा जान करके शंकर जी एक तृणावर्त दत्त को भेज दिया। मैया जब ऐसे उछाल रही थी कृष्ण देखा भैया मामा जी आ गए ऊपर, एरोप्लेन आ गया, अभी तो ये मेरे को उड़ा करके ले जाएगा मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मैया क्या करेगी। कृष्ण इतने भोजन बन गए जैसे लोहे के चट्टान जैसे, इतने में मैया लाला को नीचे रख दी, इतने में तृणावर्त आदि तूफान रूप में आया, कृष्ण को पकड़ करके आकाश में उड़ चला। इतने में कृष्ण तृणावर्त गला को पकड़ करके खूब एरोप्लेन में जैसे घूमते है ना, कृष्ण पूरा ब्रज को घूम लिया। अभी एरोप्लेन लैंडिंग करता उतरता है, कृष्ण उतरेंगे कैसे, इतने में कृष्ण ने किया क्या, उसको गला को उन्होंने ऐसे दबाया उसको गले को, दबाते ही वहीं पर तृणावर्त धड़ाम करके गिरा। मैया थोड़ी देर बाद में देखते लाला गया कहाँ, यही तो लेटा था, देखा दूर में एक राक्षस पड़ा हुआ। फिर मैया वहां पर जा करके लाला को उठा करके लाती है, गैया का पूछ से झाड़ा लगवाती है, राई नून मंत्र करके छिड़काव देती है। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं कभी कभी साधक का जीवन में जैसे थोड़ी समय के लिए जैसे पूरा ब्रज में अंधकार छा गया, कभी कभी साधकों का जीवन में जो भजन करते हो कभी कभी हमारे जीवन में भी कभी कभी आंधी तूफान आ जाती है। आंधी तूफान थोड़ी समय के लिए आता है फिर उसको बाद में सही हो जाता है, लेकिन थोड़ी समय के लिए जो आंधी तूफान आती है ना कभी कभी हम विचलित हो जाते हैं। देखो सब ध्यान देकर सुनो, जैसे हम भजन कर रहे हैं अगर घर में कोई अनहोनी थोड़ी सी हो जाए ना, आप देखना अपना खाना नहीं छोड़ते, अपना घूमना नहीं छोड़ेंगे, अपना सोना नहीं छोड़ेंगे, जानते हो सबसे पहले क्या छोड़ते, माला छोड़ देते। बोले हमने भगवान की इतने भजन पूजा पाठ की और ठाकुर जी हमारे साथ में यही किया, मतलब माला छोड़ने के लिए पहले से तैयारी है, लेकिन खाना छोड़ते हैं क्या, सोना छोड़ते हो, घूमना छोड़ते हो, कुछ नहीं छोड़ते हैं, क्या छोड़ देते हैं, भगवान ने हमारे साथ में यही से किया, सबसे पहले माला छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री पितामह ब्रह्मा जी कहते हैं
बोले तत्व कंपा सुमीक्षण भुंजाम विपाकम। पितामह ब्रह्मा कहते हैं भैया भजन करते करते अगर थोड़ी बहुत इधर उधर कुछ हो जाए ना आपको क्या समझनी चाहिए। कहते आत्मा कृतम विपाकम, हमने जैसे कर्म की वो कर्म का फल आया हमारे पास में। किसी को ऊपर दोष मत लगाओ। जैसे हम बीज बोते हैं ना, जैसे आप केले का बीज बोओगे वहां पर कौन सा वृक्ष आएगा बोलो? अरे बोलो केला। अगर चीकू का बीज बोओगे तो कौन सा वृक्ष आएगा? नीम का बीज बोओगे तो? करेला का बीज बोओगे तो? करेला आएगा ना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते जीवन में जो कुछ आता है ना इसको ऊपर दोष मत लगाओ, उसकी वजह से वो केस हो गया, उसने मेरे साथ में ऐसे कर दिया। भैया कोई किसी के लिए कुछ नहीं करते, हमने जैसे कर्म किया वो कर्म के अनुरूप हमें जीवन में फल भुगतना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की भजन मत छोड़ो। जैसे कोई दुख आता है ना हम क्या कहते हैं, हमारे पाप कट रहा है। आप लोग से एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर दो। हम अपना पाप को खत्म करना चाहते ना पुण्य को? कौन बोले हाथ उठा? पाप को कोई नहीं चाहता है पुण्य खत्म हो जाए, लेकिन पाप कब खत्म होता है? दुख दे करके पाप खत्म होता है, सुख दे करके पुण्य खत्म होता है। लेकिन दुनिया चाहते हैं हम अपना पाप को खत्म करें। अगर जीवन में कोई कष्ट आता है ये मत सब ये समझो जीवन का दुख खत्म हो रहा है और आगे हमारी बढ़िया आने वाले, आगे बढ़िया आने वाले ये चीज को समझो है। ऐसे नहीं भजन को छोड़ दो। देखो एक दो उदाहरण देता हूँ, ये चीज को समझ लो अच्छे तरह से, उसको याद कर लेना। कभी कभी हम भजन करते हैं भक्ति करते हैं थोड़ी दुख कष्ट आए तो हम सोचते हैं हमने तो किसको कष्ट दिया ही नहीं, पर हमारा जीवन ही दुख क्यों आते हैं? एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे घर में गेहूं की खेती होता था ना, तुम लोग घर में गेहूं देना, घर में एक ड्रम होता है, वो गेहूं ड्रम के अंदर में डाल देते हैं, उसको नीचे एक छेद होता है, जितना जरूरत उधर से निकाल करके हम उसको पीस करके आटा बना कर खाते हैं। इसी साल में आपने खेती किया, अच्छे तरह से दिमाग में बैठाओ, पर दुखी नहीं बनोगे। इसी साल में खेती हुई, गेहूं का दाना अच्छा नहीं हुआ, छोटा छोटा हो गया, उसको ड्रम में डाल दिया। दूसरे साल में जब खेती हुई वो गेहूं बढ़िया हुआ, एकदम बड़ा बड़ा दाना हुआ, उसको भी ऊपर में डाल दो। जब नीचे से निकालोगे आप बताओ सबसे पहले कौन सा गेहूं निकलेगा? कौन बोलेगा हाथ उठा? छोटा बने आएगा कि नीचे बड़ा आएगा? बोलो छोटा आएगा। आप बोलोगे क्यों, मैं तो बड़ा डाल रहा हूँ, बड़ा क्यों नहीं यार, बड़ा आएगा लेकिन जब छोटा खत्म हो जाए, बड़ा आएगा लेकिन जब छोटा खत्म हो जाए। उसी तरह अभी तो देखने के लिए हम भजन कर रहे हैं लेकिन पहले क्या करके आए इसको, कौन किसको बताए? छोटा खत्म हो जाएगा तो बड़ा भी आएगा। और एक छोटी सी कहानी सुन लो, उसको सब याद करके दूसरों को बोलना। देखो वो सरिता दीदी आई थी ना, सरिता दीदी आई थी, कथा सुनाई ना तुम्हारी गुजरी है, और छोटी एक बेटी कथा सुनाई, हम भी चाहते हैं हम लोग ऐसे बने। आप भी जितना कथा सुन रहे हो तुम्हारी पड़ोसी पड़ोसियों को भी समझाओ, उनको भी भजन कराओ। लेकिन जब तू खुद माला करोगे तो दूसरों को बोलोगे ना, पहले खुद तो भजन करो, पहले खुद भजन करो फिर दूसरों को समझाओगे। स्वयं हरिनाम करो और दूसरों को भी भगवान के भजन में दूसरों को भी लगाओ। देखो एक समय दो भाई थे, एक भैया तो बड़ा नास्तिक, नास्तिक समझते हो जो भगवान को नहीं मानता है, और एक भैया आस्तिक जो ठाकुर को खूब सेवा पूजा करता है, जो भगवान को भजन करता था, जो नहीं करता था उसको खिली उड़ाता था, बोले दिन भर से माला लेकर क्या हरे कृष्ण दिन भर करते रहते हो, और ये ठाकुर पत्थर के सामने क्यों बैठे रहते हो, सब बेकार काम है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, दोनों भैया की निमंत्रण आई, दोनों भैया निमंत्रण में जा रहे थे, जाते जाते क्या हुआ जो ठाकुर को भजन नहीं करता था उसको एक सोने की मोहर मिली गई। उसने बोला देखा तू इतने राम राम कृष्ण कृष्ण करते तेरे को मिला गया, तेरे कुछ नहीं मेरे को सोने की मोहर मिल गया। उसने कहा भैया बात सही है, लेकिन जब और थोड़ी दूर गया जो भजन कर रहा था उसको पैर में लोहे की एक सीख कर गई और खून बहने लग गया, उसको मौका मिल गया। बोले देख लिया इतने राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे करते हो तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला? वो तो देख करके सचमुच से दुखी दुखी हो गया। बोले ठाकुर जी मैं तेरा इतना पूजा भजन पाठ करता हूँ और तू मेरे को ऐसे अपमान करते हो उसको सामने हैं, और सामने ये दिख रहा है। तो इतने में आकाशवाणी हुई,
बोले बेटा ध्यान देकर सुना, तुम ये मत समझो मैं भजन करता हूँ प्यार में सी गिर गई और ये भजन नहीं करता, इस सोने की मोहर मिली। पूर्व जन्म की कथा सुनो, ये जो तुम्हारे भैया पूर्व जन्म में इतने दान पुण्य किया था, आज का दिन उसको राज दरबार में राज सिंहासन मिलने वाला था, लेकिन चूंकि मैं और मेरे भक्तों का ये चुगली करता है, बदनाम करता है, मैंने इसका सारे पुण्य को खत्म कर दिया और एक सोने की एक मोहर देकर वंचित हो गया, कहां राजा बनने वाला था। तेरी कथा सुन, पहले जन्म में तुमने एक मर्डर किया था, लेकिन चूंकि तुम मेरे भजन पूजा पाठ करते हो, तेरे सारे पाप को मैं खत्म खत्म करते 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 केवल थोड़ी सी पाप रह गई थी, इसलिए मैंने किया कि तेरे को आज राज दरबार में तेरे को फांसी झूलने का था, चूंकि तुम मेरे भजन करते हो इसलिए मैंने सारे पाप को खत्म करते हुए केवल प्यार में एक सी गड़ा करके तेरे को छोड़ दिया। इसलिए ये मत समझो भजन करने वाले को दुख और जो नहीं करते बड़ा आनंद, कभी ऐसे नहीं सोचना, कभी ऐसे नहीं सोचना। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन नेह विक्रम नाश अस्ति प्रत्यय न विद्यते, हे अर्जुन मेरे जो थोड़ी सी भी भजन करते हैं ना उसको कहीं बर्बाद नहीं जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं थोड़ी सी अगर मेरे लिए कुछ करता है मैं इसको याद करता हूँ। सुदामा दो मुठ्ठी चिड़िया दिया, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया, भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी केवल साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी, हरी सभा में ठाकुर जी इसका लाज बचाते हैं। इसलिए भगवान के लिए थोड़ी करो ना, ठाकुर जी कभी भूलते नहीं, उसका एकदम ब्याज समेत ठाकुर जी उसको प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं कभी कभी उनके जीवन में आंधी तूफान ये तृणा वर्त आ जाती है, समझ रहे हो? अगर थोड़ी कोई विपत्ति आ जाए ना, घबराना नहीं, कभी नहीं घबराना, भगवान की खूब भजन करना। सुदामा का तो पहले ठाकुर जी कष्ट दिए, लेकिन बाद में क्या दिया? सोने का महल, रानी को, उनको पत्नी को राज रानी बना दिया। पांडवों को तो पहले कष्ट आया, देखा कि नहीं रामायण महाभारत, देखा कि नहीं कितने कष्ट उठाए, लेकिन ठाकुर जी लास्ट में क्या किया? सारे कुरु भक्त सबको खत्म करके श्री युधिष्ठिर महाराज को चक्रवर्ती राजा पद में राज्याभिषेक कर दिया भगवान ने। हैं, इसलिए प्रहलाद को तो कष्ट आया पहले, लेकिन लास्ट में उसको राज सिंहासन दे दिया। इसलिए ठाकुर जी पहले क्यों कष्ट देते हैं? जैसे देखो तुम्हारे दो बेटे हैं, एक बेटे का पेट तो सही है, लेकिन एक बेटे का पेट पतला हो गया। एक माँ है जिसका पेट सही ना, मैया उसको क्या करती है? लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिठाई खिलाती है, लेकिन जिस बेटा का पेट पतला उसको क्या करती है? पतला पतला खिचड़ी खिलाती है। भैया एक मैया दो बच्चों क्यों ऐसे देख रही है? क्यों? उसको पता है जिसका पेट पतला है अभी इसको लड्डू कचौड़ी हजम नहीं होगी, समझ रहे हो? इसलिए ठाकुर जी देते हैं, कहते ना ठाकुर जब देते हैं छप्पर फाड़ करके देते हैं, लेकिन पहले क्यों नहीं देते हैं? जानते हैं अगर इसको दे दूं ना ये बदहजम हो जाएगा, ये हजम नहीं कर पाएगा इस चीज को। इसलिए भागवत में पढ़ करके देखो, भगवान की जितने भक्त हैं, जितने भगवान की भक्त सब राजा है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज हैं, ये सबके सब युधिष्ठिर महाराज जो भगवान की भक्त, सब राजा नहीं महाराज है। ठाकुर जी इतने देते हैं ना ठाकुर जी, लेकिन जब तुम्हारे पेट में हजम हो जाएगा तब देंगे, बद हजम होगा तो ठाकुर जी पहले नहीं देंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते भैया जी भर करके भजना करो, भजन कभी छोड़ना नहीं, ये दुनिया छूट जाए लेकिन प्रभु की भजन नहीं छूटनी चाहिए। इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 रानी तेरो ललना हरी मेरे दिल में गलो समाए, नंद रानी
जिसका मुंह में जो आए ना वैसे नाम से पुकारते हैं। अभी नंद बाबा सोच रहे हैं मेरे लाला का कोई एक नामकरण हो जाए, अरे उसी नाम से पुकारा करें। लेकिन एक गड़बड़ी क्या हो गई, वसुदेव महाराज जी सोच रही है मेरे लाला और नंद बाबा सोच रही है मेरा लाला। एक दिन श्री वसुदेव महाराज ने देखा, पहले जब नामकरण होता था जैसे अभी हम लोग बच्चों का जैसे तैसे नाम रख लेते हैं, पहले ये नियम नहीं था। पहले ये नियम था बच्चे का जब नाम करना हो वो ऐसे एक नाम रखते थे जो कि उसकी पिता और उसको पिता दोनों का नाम एक नाम में आनी चाहिए। बच्चा कौन होता है जो हमारे खानदान को रक्षा करता, कहते ना हमारे कुल की मर्यादा को हमारा वंशों को बेटा ही रक्षा करता है। पहले ये नाम हुआ करता था, जैसे भगवान राम है। आप बताओ प्रभु राम का पिताजी का नाम क्या था? बाबा यहाँ तभी आओ जब कीर्तन हो, कथा को बीच में नहीं आए। हाँ आप बैठ जाओ, कीर्तन जब हो तभी आओ। हाँ बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ जैसे देखो जैसे भगवान का नाम जैसे राम है, आप बताओ तो राम का पिताजी का नाम क्या था? कौन बोले दशरथ। और उनको पिताजी का क्या नाम था? कोई नहीं बोल पा, उनका पिता नाम था अज। जैसे पहले जो राम होता था, जैसे उनका जो राम ये रा अक्षर कहाँ से लिया, कहते उनको पिताजी का नाम था दशरथ।
वो जो रा अक्षर लिया दशरथ से, र से, कहते उनको पिताजी का नाम था आज, जैसे राम और माँ, माँ में जो आ है ना, उनको पिताजी पिताजी का नाम से दिया आ। जैसे कृष्णा, कृष्णा जी का पिताजी का नाम क्या था? नंद। स्नामी जो ना है वो नंद बाबा का ना से लिया, बोले उनको पिताजी का नाम था परजन्य, इसलिए वहां से लिया र। इसलिए क में जो री मात्रा है उनको पिताजी की पिता से लिया। इसलिए पहले जब नामकरण होता था, नामकरण ऐसे ही होता था, ऐसे ही नहीं मन में जो कुछ आ जाए टुन्नू बुल्लू टिंकी ट्विंकी सब ऐसे सब नाम रखे थे, नहीं पहले ऐसे नहीं नाम होता था। भगवान का नाम नहीं तो किसी भक्तों का नाम से पुकारा करते थे। जितना बार नाम लो कम से कम ठाकुर का नाम मुंह से निकले। लेकिन जैसे हम घर घर में अभी गए थे, गुजरों का घर घर में गए थे, बच्चों का नाम पूछा ना, बच्चों किसी बच्चे का नाम भगवान का नाम पर नहीं देखा। लेकिन जो पहले पहले जो बड़े बड़े बच्चे हैं उनका तो नाम थोड़ी थोड़ी भगवान के नाम से जुड़ा हुआ। अभी जिन जिन बच्चों का नाम देखा कोई भगवान का नाम से कोई नहीं जुड़ा, सब नए 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 नाम सब रखते हैं जिससे भगवान की कोई संबंध नहीं। इसलिए ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए, सबके सब ठाकुर का नाम पर रखो। मैं किसी बच्चे का नाम मदन मोहन रख दिया, बोले नहीं नहीं ये पुराना नाम है, ये सब नाम मत रखा करो। मैंने कहा राधा रमन, बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं कोई नाम नहीं, जो फैशन वाले नाम चाहते हैं। नहीं भैया, भगवान का नाम पर धराओ जिससे कल्याण हो बच्चे का। इसलिए गर्गाचार्य श्री वसुदेव महाराज सोच रहे हैं, अगर श्री नंद बाबा ने लाला को नामकरण कर दिया, अपना कुल मर्यादा और पिताजी के नाम से जुड़ा हुआ नाम करेंगे, लेकिन बेटा तो मेरा है। एक दिन उन्होंने गर्गाचार्य को बुलाए, बोले गर्गाचार्य थोड़ी सी आप गोकुल भी जाओ और मेरा बेटा का नामकरण करो, ऐसे एक नाम रखो जो मेरे नाम के साथ में जुड़ा हुआ हो। गर्गाचार्य प्रसन्न होकर के नंद बाबा का घर में आए, अरे नंद बाबा इतने खुश हो गए, बोले महात विचलनाम ऋणाम गृहिणाम दीन चेतसाम। कहते संत लोग हमारे घर में किस लिए आते हैं, क्या कुछ लेने के लिए आते हैं? कहते लेने के लिए नहीं, हम कुछ देने के लिए आते हैं। बोले क्या देने के लिए आए? बोले हम जो मातृगर्भ में भगवान से कसम खा करके आए थे, ठाकुर जी अगर इस बार हमें मानव शरीर दोगे उठते बैठते तेरा ही याद करूंगा। भगवान उसी समय में कहा देखो भूलोगे नहीं तो बोले कभी नहीं भूलूंगा, अगर भूल जाओगे ना ठाकुर कहते मैं फिर साधु संत रूप में तुम्हारी घर में आऊंगा। जब साधु संत रूप में आऊंगा समझना ये ठाकुर स्वयं हमारे घर में आए, फिर तुमको याद दिलाऊंगा। भैया जगो, कब तक माया की नशे में सोते रहोगे, हैं? ये संत रूप में, इस रूप में ही भगवान आते हैं। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, देखो हमारे आज कितने भाग्य है, आज हमारे घर में संत आए, संतों का चरण धूल पड़ा, घर में हरि चर्चा, घर में हरि कीर्तन होगा, हैं? जिस घर में संत आए कीर्तन हरि कथा हुई ना, कहते वो घर घर नहीं, कहते वो घर भगवान का धाम हो जाता है, घर से सारे पाप चली जाती हैं जब घर में कीर्तन और घर में हरि कथा हो। बड़े प्रसन्न हो गए। इतने में नंद बाबा खुद बोल पड़े, बोले बाबा जब आप कृपा करके घर में आए हो मेरे बच्चों का नामकरण करा दो, वो तो इसलिए आए थे। बोले ठीक है अपना बच्चों को ले आओ। तो रोहिणी और श्री जसोदा कृष्ण बलराम दोनों भाई को लेकर के आए। जब लेकर के आए सबसे पहले उन्होंने बलराम प्रभु का नाम धरवाया, तब उन्हें ध्यान जब लगाया ना, देखा भैया ये ताऊ भैया कोई साधारण नहीं। बोले ये कौन है? बोले शंकर सन कारण तो साई गर्भो दसाई चपयभिसाई से सांस जस्यांस सकला सनित्यानंदाक्षरामं शरणं प्रपद्ये। भले तुम्हारे जो बेटा है ना, इनसे ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि होता है। जो शंकर शरण कारण तो दसाई गर्भ दसाई जितने अवतार तुम्हारी बेटे से जन्म लेते हैं यही स्वयं शेष नाग है, जिनकी सर के ऊपर में विश्व ब्रह्मांड विद्यमान, एक सरीसों का भांति जो सर पर धारण करके रखे। बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयान सुहित गुणई। बोले ये जो रोहिणी का जो बेटा है अपना गुण को द्वारा सबको आनंद देगा, इसलिए इसका नाम होगा राम।
और बला धिक्याद बलम बिंदु, बड़ा ताकतवान होगा बलवान, इसलिए इनका एक नाम होगा बलराम। बोले श्री दाऊ भैया की जय। अभी कृष्ण का नाम करण कर दी, जब उन्होंने आंख बंद की आंख बंद ही रह गई, आंख खुली नहीं। बोले क्यों नहीं खुली? बोले जिसका दो चार नाम हो ना, एक नाम रख दो। उन्होंने देखा विश्व ब्रह्मांड में जितने नाम सब इन्हीं का नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर ऋषि के सब भगवान का नाम है। भैया एक दो बीस नाम तो कोई नाम रख दे, अब इसका नाम क्या करे? नंद बाबा तो व्याकुल हो रहे थे, मेरे छोटे लाला का नाम क्या होगा? हाथ पकड़ कर हिलाए, अरे बताओ ना लाला का क्या नाम होगा? बोले आसन वर्णास्त्रय जस्य घृणोत अनुजुगम तनो शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानी कृष्ण तामुगत। बोले नंद बाबा तेरे बेटा हर युग युग में आता है, सत्य युग में उसने शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, तृतीया युग में रक्त वर्ण धारण करके, जब कलयुग आएगा श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके श्री चैतन्य महाप्रभु में नवद्वीप में जन्म ग्रहण करेगी और संपूर्ण पृथ्वी में ये हरि संकीर्तन को उन्होंने प्रचार करेगा। और जितने लोग सुखी हो करके एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने सारा दुनिया में हरि कीर्तन प्रचार करा है। अभी वो जो दो लड़की खड़ी हुई ना, देखो दो लड़की को देख लो, ये जो दो लड़की कहाँ से आए? रसिया से आए। कभी वृंदावन जाओगे ना, ऐसे कोई राष्ट्र नहीं, अमेरिका जर्मनी लंदन फ्रांस, हाँ वहाँ के लोगों को देखोगे सब चोटी रख करके तिलक लगा करके गले में माला पहन करके हरि नाम करते हुए देखना, सब नाच रहे हैं। हम तो हिंदू है, हमारे हिंदू में क्या लक्षण है? कहते चोटी होनी चाहिए, तिलक होनी चाहिए, गला में कंठी होनी चाहिए, प्रभु का नाम जप करनी चाहिए। ये ना हिंदुओं का तो यही चिन्ह है ना, बताओ तुम्हारे अंदर में क्या चिन्ह है हिंदू का? बताओ कोई चिन्ह दिखा। हम जो हिंदू कहते क्या तुम्हारे, तुम कहते हो हिंदू हिंदू, किस चीज का तुम हिंदू हो? वो तो असल हिंदू है, यही है। देखो देखो उनका तिलक देखो लगा, गले में कंठी देखो, माला देखो, तुम्हारे पास में है क्या चीज तुम्हारे अंदर में? किस चीज का हिंदू है? क्या घर में जन्म लेने से हिंदू कोई हो जाता है? बताओ कोई गीता का श्लोक पूछो, किसी मुसलमान को पूछ लो, किसी भी मुसलमान को कुरान बोल, कुरान कंपल्सरी बोलेगा। तुम्हारी अंदर में कोई गीता का कोई श्लोक याद कर सकते हो? कोई गीता का कोई श्लोक याद है तुम्हारी? बोलो तो हाथ उठा, किस गीता का किसको एक श्लोक याद है? लेकिन किसको पूछो कौन हीरो का नाम क्या, कौन हीरोइन, सब मुखस्त है, कितने अंट संट नाम को सब याद करके रखी। लेकिन कोई हिंदू का कोई भी चिन्ह हमारे अंदर में नहीं, पर मुसलमान हो सकते। अगर हिंदू अपने गर्व करते हो हिंदू, गले में तुलसी कंठी पहनो, चोटी रखो, तिलक लगाओ, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, तभी तो हिंदू कहलाओगे ना। हम देखना मुसलमान भाइयों को शुक्रवार कितना रोड जाम कर देते, देखा है कि नहीं? शुक्रवार के दिन रोड जाम करके बैठ जाते हैं, गाड़ी भारी बंद, और छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके ले जाते हैं और कुरान उनको पढ़ाते हैं। तुम कभी अपना बच्चे को बोले हो एक नाम रखो? कभी किसने अपना बच्चे को बोले हो बेटा तू एक माला करो, नहीं तो थोड़ी रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो? बोलो तो तुम्हारी माता को अंदर में ऐसे कौन एक माता हुए जो बच्चे को बोलते हो रामायण का तो प्यार पढ़ो, नहीं तो गीता का कोई श्लोक पढ़ो? बोलो तो कोई बोलता है? स्मार्टफोन दे दे, स्मार्टफोन दे, पबजी देखो दिन भर। अब बताओ तुम्हारी संस्कृति रख्या कहाँ से होगी, रख्या कहाँ से होगी तुम्हारी संस्कृति? इसलिए मैं पहले बोला ना, किसने आकर के हमारे बड़े गुरुजी को बोला, गुरुजी बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते। हमारे बड़े गुरुजी बोले, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? कभी बच्चे को बोला रामायण पढ़? बोले नहीं। बोले जो पढ़ेगा नहीं, जो पढ़ाएगा नहीं, तो बच्चे तेरे को मानेगा कैसे? कहाँ पर बताया पिता माता की चरण सेवा करनी चाहिए? कहाँ पर बताया पिताजी के आदेश पालना करनी चाहिए? कहाँ पर बताया सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छो? रामायण कहता है, रामायण केवल कहता है प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माता, ये रामायण सिखा देता है
सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता के चरण को छुओ। अब बताओ तो आपको अंदर में कितने ऐसे लोग हैं जो सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूते हैं? सही सही बता, झूठ मत कहना। कौन पिता माता के सवेरे? केवल दो व्यक्ति का हाथ उठ रहा है, केवल दो व्यक्ति हाथ उठाए कहते हम सवेरे पिता माता के चरण छूते हैं। इसलिए भगवान राम क्या किया, 14 साल के लिए वनवास गया ना, क्यों? केवल पिताजी के आदेश पालन करने के लिए। लेकिन पिताजी बोल रहे थे, आप बताओ दशरथ महाराज राम को बोले 14 साल वनवास जा, राम मना, दशरथ महाराज मना कर रहे थे। रामायण ने देखा कि नहीं, जब रामचंद्र वनवास जा रहे थे दशरथ महाराज भागते भागते जा रहे थे, बेटा मत जाया करो, बेटा मत जाया करो, किंतु रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए मरु बचर न जाए। बोले नहीं, पिताजी की प्रतिज्ञा तो मैं कभी नष्ट नहीं करूंगा, पर अपना माँ नहीं, कौशल्या नहीं, कैकेयी, अपना सौतनी माँ की आदेश पालन करने के लिए, अपना माँ की नहीं। भगवान कितने बड़े सिख्या देते हैं, भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए हैं? भगवान भरत को राज सिंहासन दे रहे हैं लेकिन लिए ही नहीं, उनकी चरण को ला करके नंदीगांव में रख करके जटाजुट धारण करते हुए भरत ने 14 साल के लिए अपने जीवन बिताए। कितने सेवा सीखा, भाई के प्रति कैसे प्रेम होनी चाहिए। लक्ष्मण देखो जैसे भाई हैं, जिंदगी भर राम की सेवा में लगाए। किसलिए रामायण पढ़ते हैं? हमारे घर में भी शांति सुख बने रहे, भाई भाई में प्रेम हो, अपना बहन बहन में, बहू बहू में प्रेम हो हैं, पिता माता के प्रति आदर की भावना हो, तभी तो ठीक है ना। क्या करोगे, घर को अयोध्या बनाओ जहाँ पर युद्ध नहीं हो, ठीक है? घर को वृंदावन बनाओ, कौन बनाएगा वृंदावन? हाँ हाथ उठा सकते, सब हाथ उठा लेते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे पता नहीं हमारे बाद में कितने पालन करते हैं, ठीक है? बस वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए उन्होंने बोले ये जो तुम्हारे बेटा है, बोले इदानी कृष्ण दाम गत, यही युग युग में आता है, अभी इसने कृष्ण बन करके आया, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अभी बोले तुम्हारी जो बेटा है ना, ये साधारण नहीं, तुम्हारी बेटा हर युग युग में तुम्हारे बेटा अवतीर्ण होता है और दुष्टों को विनाश करता है, भक्तों को पालन करता है, इसको इतना नाम है, वेद भी जिसका था नहीं पाता, अनंत देव अनंत मुंह से अनंत नाम दान कर रहे हैं, अभी भी जिसका खा नहीं पाए हैं। लेकिन वहां पर माँ जसोदा बैठी हुई थी और बुढ़ी उम्र में बेटा हुआ, हर माताएं क्या सोचती हैं, बेटा जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और बेटा का शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए। क्यों? जब तक घर में बहू नहीं आती है ना, तब तक माताओं को घर का काम काज करना पड़ता है, लेकिन घर में जो बहू आ जाती है फिर सारे काम काज को बहू ही संभाल लेती है, फिर सास को आराम मिलती है। और मैया जसोदा वहीं बैठी हुई थी, सोच रही थी पंडित तो बहुत बात कर रहे हैं लेकिन ये पंडित से कोई काम की बात नहीं कर रहे, तेरा बेटा ये था, तेरा बेटा यार, इससे क्या मतलब है बताओ तो, लाला बड़ा कब होएगा, कितने बहू होएंगे घर में, कितने बहुएं आएंगी, फिर बूढ़ी हो गई घर का काम करते करते, बहू आएगा घर का काम काज तो वही संभालेगी, ये तो बात बताओ। इतने में श्री गर्गाचार्य एक श्लोक बोले, माता तो भोली वाली संस्कृत समझती नहीं, देखो एक श्लोक में दो अर्थ बोले, बहुनी बहुनी संति नवानी सुतस्य च तवात्मज, इसका मतलब है तुम्हारे जो बेटा है बहुनी नाम, इसका बहुत सारे नाम होगी हैं, उनकी बहुत नाम गुण होगी। लेकिन मैया अपना मन मन में अर्थ लगा रही थी, बोले भैया पंडित सियाद कहते हैं बहुनी संति नवानी, तेरे बेटा का बहुत सारी बहू होगी। बोले अच्छी बात है, जितना बहु हुई उतना तो सास की सेवा करेगी ना। सचमुच से कृष्ण जब वृंदावन में रहे, एक तो राधा रानी थी, अरे ललिता विशाखा चंपक लता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रूप मंजरी रति मंजरी, कृष्ण जब रास किया ना सतकर्ण गोपियों के साथ में रास किया है, बोले रूपानी कोई काली होगी कोई गोरी होगी, बोले कोई बात नहीं बहु होनी चाहिए है, घर में बहु होनी चाहिए। मैया तो खुश हो गए, बोले पंडित अभी बात की,
काम की बात बताई है। बड़ी मैया खुश हो गई और उन्हें लाला को लेकर के गर्गाचार्य के चरण में लेटा दिया। बोले लाला को आशीर्वाद करो। गर्गाचार्य डर गए, बोले क्यों? उनको पता ये कौन है, ये मेरे प्रभु अभी बालक बन करके आए हैं। इसलिए उन्होंने हृदय से आशीर्वाद दिया और उन्हें खूब उनकी दक्षिणा मन भर कर उनको दक्षिणा दिए। गर्गाचार्य प्रसन्न होकर के चले गए। जब चले गए बड़ी बुरी गोपियां आई, बोले भैया भैया ज्योतिष ने लाला को नाम क्या रखोगे? बोले बड़ा बेटा का नाम तो रखा बलराम, छोटा बेटा का नाम रखा कृष्ण। बोले नाम तो बड़ा अच्छा है लेकिन जो कृष्ण नाम, जब तक ये जीवा तीन बार टेढ़े नहीं हो जाते ना, देखना ये जीवा ये कृष्ण नाम नहीं उच्चारण होता है, इसलिए तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल तेरी टेढ़ी है, जमुना तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी, जसोदा डुबरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी। कृष्ण का सब टेढ़ा है, कृष्ण का सब डबले, नाम तो बड़े अच्छे है। ठीक है ये नाम तो पत्रिका का नाम रहे लेकिन घर में बड़ा बेटा का नाम बलुआ और छोटा बेटे का नाम कनुआ, हम घर में कनुआ और बलुआ नाम रख देंगे। बोले कनुआ बलुआ की जय जय श्री राधे। अभी कृष्ण जब धीरे धीरे बड़े हुए, जब कृष्ण मैया की स्तनपान करती थी, मैया उनको मक्खन मिश्री खिलाती थी, गोपियों को मन में भी इच्छा होती थी क्या लाला कभी हमारी घर में आएगा, हमारे घर में भी कभी मक्खन खाएगा। इतने में कृष्ण गोपियों की भावना को समझते हुए प्रभु घर घर में जाकर के प्रभु मक्खन चोरी करते हैं। इसलिए रोज रोज गोपियां आकर के मैया से शिकायत लगाती हैं, तेरे लाला मेरे घर में मक्खन चोरी करता है। मैया मानती नहीं, बोले मेरे घर में क्या कमी है, मेरे घर में तो दूध दही की नदी बहती है, अरे मेरे लाला तुम्हारे घर में क्यों मक्खन चोरी करने जाएगा? जब तक रंगे हाथों से पकड़ा करके मेरे को नहीं दिखाते हो तब तक हमें मानने वाले नहीं। बोले ठीक है। एक गोपी बोली कल तेरे को दिखा दूंगा तुमको रंगे हाथों से। कृष्ण सचमुच से एक गोपी के घर में मक्खन चोरी करने गए। वो गोपी पहले से ही मटकी धर करके कोड़े में बैठी हुई थी। कृष्ण जब मक्खन चोरी कर रहे थे ना, सीधा पकड़ ली। बोले कहाँ जाओगे? मैया मानती नहीं, चल तेरे घर में ले चलती। कृष्ण ने कहा मैं तो सोच रहा था अपना घर में मक्खन खा। बोला अपना घर में खा रहा, चल भैया के पास में। बोले देखो गोपी तेरे पाँव पड़ता हूँ, तेरे खसम का पाँव पड़ता हूँ, तेरे सास की, तेरे ननद की, तेरे बिचुआ की, आज छोड़ दे कल से नहीं। हम बोले नहीं, चल सीधा। अभी ले आई, जब ले आई देखा सामने नंद बाबा बैठे हुए और नंद बाबा जेठ लगते हैं और जेठ बाबा के सामने पर्दा करते हैं। अभी भी तुम लोग करती करती ना कि नहीं, पर्दा करते हैं। जब देखा जेठ बैठे हुए ना, उन्होंने पर्दा उतार दी और कृष्ण का सर के ऊपर कपड़े ढक दिया। हाँ बोले ये जेठ लगते हैं, पीछे दरवाजा से मैया जसोदा को मैं दिखा दूंगी। पीछे से घूम कर के आई, जब आई बोले मैया जसोदे। मैया बोली कहा बात है? बोले तू मानती नहीं, तेरे लाला घर में मक्खन चोरी करता है, आज तो रंगे हाथों से पकड़ करके लाई। लेकिन उस समय कृष्ण को मैया जसोदा पलक में थपथप लगा कर पलक में सुला रहे। मैया बोली किसको लेकर के आई? लाला तो पलक में सो रहा है, हैं क्योंकि भगवान है ना, जब उन्हें कपड़ा ढक दिया ना कृष्ण बदल गए, उसका बेटा ही बन गई हैं। इतने में बोले मैया बोली क्या बात? बोले तेरे लाला को रंगे हाथों से लाई। बोले लगता है भांग की घोला ज्यादा खा ली, मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है। बोले सो रहा है कैसे? बोले तो पकड़ करके लाई। बोले कहाँ? जब वो कपड़ा खोल करके देखती है ना, वो उसका बेटा ही है, उसको बेटा। इतने में कृष्ण अंदर से आंखों को मलते मलते आए। बोले मैया देख लियो ये गोपी कितने झूठ बोलती हैं, मैं घर छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, मेरे नाम पर ऐसे झूठ मूठ की शिकायत करती हैं, ऐसे झूठ बोलूंगा ना सचमुच से मैं जाऊंगा। वो गोपी बोली भैया आपके बच्चे चक्के रह गई, दरवाजा तक तो सही था, ये कपड़ा ढकते ही बदल कैसे गया? मैया ने उसको लाला को बोले तू कहाँ से आ गया? बोले तू तो मेरे को घर से लाई। बोले तेरे को कहा? काना को तो लाई थी। बोले तू तो मेरे को लाई। इतने में मैया बड़ी जोर से डांट लगाई। बोले खबरदार आईंदा में कभी ऐसे चुगली नहीं करना मेरे लाला को नाम पर। वो गोपी तो आश्चर्य में पड़ गई। जब जा रही थी ना कृष्ण दूसरे रास्ता से घूम कर आ गए। बोले क्यों गोपी क्या बात है, मैंने कितने तेरे पाँव पड़ा, तेरे खसम की, तेरे नड़द की, जेठ की सुनी नहीं ना, आज देखा तेरे बेटे को ही चोर बना दिया, भविष्य में मेरे को कभी पकड़ करके लाओ ना तेरे खसम को चोर बना दो। मैया बोली लाला तू जीत गया मैं हार गया हूँ। ऐसे ही गोपी
रोज रोज मैया के पास में शिकायत करती थी। एक गोपी ऐसे ही बोली थी, मैया बोले मेरे को पकड़ करके दिखा दे, वैसे मैं नहीं मानूंगी। वो गोपी गई थी यमुना में पानी भरने के लिए, जब आकर के देखता है घर में कृष्ण बैठ कर मक्खन खा रहा है, बोले ये मैया को पास में ले जाओ ना, पता नहीं बदल देता है, ये ताला बंद करके फिर तो मैं चाबी का लेकर के मैया को बुला करके दिखाऊंगी। और झट ताला दरवाजा बंद कर ताला लगा दी, चाबी काठी लेकर के मैया को पास में आई। जब देखा मैया घर में, तो मैया कन्या को गोद में बैठा कर दूध पिला रही, बोले ये क्या, मैं तो कृष्ण को बंद करके आया हूँ, ये घर में दूध कैसे पी रहा है, क्या ब्रज में दो दो कृष्ण हो गए। उनने ये आश्चर्य के बाद दूसरे गोपी को पास में जो बोलने के लिए गई, देखा कृष्ण उसको घर में उसको बेटे के साथ में खेल रहे, बोले ये क्या, ये तीन दिन कृष्ण कैसे। जब उन्हें तीसरी घर में गया ना, देखा वो गोपी कृष्ण को गोद में बैठा कर मक्खन खिला रही थी। अभी जिन जिन घर में जाता है उसी घर में कृष्ण को अलग रूप में देखने को मिलता है। इतने में वो गोपी तो वहीं पर बहस हो गई, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ घर घर में कन्हैया। जब उसको होश आया ना, कृष्ण कहते हैं बोले गोपी तू मेरे को बड़े प्रेम से घर में बुलाती हो, आओ और मक्खन खाओ, बताओ मैं नहीं आऊंगा, केवल तेरे घर में नहीं ब्रज में जितनी गोपियां हैं मैं घर घर में जा करके मैं ऐसे लीला करता हूँ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन मैया बोली लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन हो जाएगा। बोले क्यों भैया, मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ शादी कैसे होगा, पूरा ब्रज में हला हो गया, तू घर घर में मक्खन चोरी करते हो, बताओ चोर को कोई की अपना बेटी देगा, लगता है जिंदगी में तू कुंवर का कुंवर रहोगे, तेरे शादी वादी नहीं होगी। देखना दुनिया में हम जो कुछ करते हैं शादी के लिए, किसके लिए करते हो, पढ़ाई लिखाई क्यों करते हो, दुकान वकान क्यों बढ़ाते हो, बिजनेस क्यों करते हो, आप देखना लास्ट में वो शादी में जाकर टिकता है, हैं? जा करके बच्चा पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया से लिखाई पढ़ाई करो, हैं? उसके बाद लिखाई पढ़ाई हो गया, बढ़िया से काम धंधा करो, बोले दुनिया काम धंधा करता है, अभी तो बहू को घुटो शादी कराओ, सब चीज देखना शादी के लिए। कृष्ण बोले भैया मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ तेरे को कौन बहू देगा, बेटा बेटी देगी, पूरा ब्रज में हला हो रहा है, तू घर घर चोरी करते हो, लगता है कुंवर का कुंवर रह जाओगे। कृष्ण ने देखा भैया मेरी शादी नहीं होगी, मैया कहती है। बोले मैया को मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगा ना, जैसे मैया को विश्वास हो जाए मैंने मक्खन नहीं चोरी की। क्या कृष्ण गजब की, कृष्ण उदाहरण देते हैं, क्या बोलते हैं, बोले मेरी प्रभु दो गाने डालो, बोला मैया मरी मैं नहीं मैया मरी मैं नहीं माँ का मिठा, उसका दो लाइन सुन मैया मोरी मैं नहीं माँ का।
से बोला बसरी मखन चोर भगवान की जय। ठाकुर जी कितने सुंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिए, बोले मैया तू कहते हैं मैंने मखन चोरी की, बोले हाँ, बोले मैया ये बताओ, बोले भोर भयो गई अन्न को पाछे मधुबन मोय पटायो, चार प्रहर बंसी बटे भट्ट को सांझ पड़ो घर आयो, समझ रहे कि नहीं, दिन भर तुमने गैया चराने के लिए भेज दिया और गैया चराते चराते शाम को वापस आया और उस शाम को आकर के तेरे गोद में रात भर सोया थे कि नहीं, बोले हाँ, बोले दिन भर गैया चराया रात को सोया मखन चोरी कैसे किया, बोले मैं बालक बही अन्न को छोटो काई विधि छिके पायो, मैं इतना छोटा बालक हूँ और कहाँ मक्खन छत को ऊपर छीके को ऊपर रखते मेरे हाथ कैसे वहाँ पर पया गया, बोले तेरे मुंह में जो मक्खन लगा हुआ होता है, बोले भैया ये जो दुष्ट सखा लोग खुद तो मक्खन खाते हैं और जोर जबरदस्ती मेरे मुंह में ये मक्खन लगा करके मेरे को चोर बना देते हैं, बोले भैया लगता है तुम मेरे माँ है ही नहीं, क्योंकि दुनिया कहते तुम मक्खन मक्खन चोरी करता तू भी कहती हो, लगता है मेरे को किसी ने जन्म दे कर कोई फेंक करके चला गया था और तुमने वहां से ला करके मेरे को पालन कर रही हो इसलिए तू मेरे को मक्खन चोरी कहते हो। इतना बोलते ही तो मैया का हृदय एकदम पानी पानी हो गया, मैया तो लाला को गोद में भर लिया, बोले लाला तुमने मक्खन चोरी नहीं की, फिर कृष्ण फिर बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैं नहीं मां फिर भगवान बदला दिया, बोले भैया मैंने ही मक्खन खाया, इसलिए ठाकुर जी बड़ी सुंदर मक्खन चोरी लीला करती थी। अभी प्रश्न है ठाकुर जी ये मक्खन क्यों चोरी करते थे, ये इसका रहस्य समझो। आप लोगों ने घर में कभी मक्खन बनाए हो, कौन कौन बनाए हाथ उठाओ, सब गुजरी तो बनाती है, हैं गुजरी तुम लोग है ना गोपी हो, इसलिए देखो इसमें एक रहस्य बताए ये मक्खन कैसे बनता है और कैसे ठाकुर जी खाते हैं। जैसे मक्खन बनाना सबसे पहले दूध को गर्म करो, दूध को गर्म करो, गर्म करना मतलब क्या, जब किसकी हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा आए, मेरे को ठाकुर कैसे मिले, मेरे को ठाकुर कैसे मिलेंगे, हैं जब ये दूध गर्म हो गया, जब दूध गर्म हो जाता है फिर उसमें जमन डालते हैं, लेकिन अगर जमन ज़्यादा डाल दो ना खट्टा हो जाएगा, परिमाण से जमन को डालनी चाहिए, इसलिए कभी ये जमन डालना मतलब क्या, बोले मतलब है गुरु से सदगुरु से हमें भगवान की नाम लेना पड़ेगा, जैसे कृष्णा राम राधे जैसे गुरुदेव हमें मंत्र देते हैं यही मंत्र ही जमन, जब जमन नहीं डालोगे ना तब तक ये दही नहीं जमेगी, इसलिए जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हुआ तब तक भगवान हमें नहीं मिलते हैं। देखो एक छोटी स्टोरी सुनो, बोले एक समय कोई एक संत किसी घर में कथा कर रहे थे, बोले देखो जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेते हैं वो भवसागर से पार हो जाते हैं, लेकिन उसको घर में एक तोता भी पिंजरा में था, बोले बाबा ये सब झूठ मूठ का बात क्यों कहते हो, भगवान का नाम लेने से भवसागर से पार हो जाता है, बोले मैं झूठ क्या कहता हूँ, बोले तू देख ले ये छोटा सा पिंजरा में मैं रहता हूँ, जो आता है सबको मैं राम राम राधे राधे कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ, अभी तक मेरी उधार नहीं हुई छोटा सा पिंजरा से, अब तू कहते हो भव सागर से पार हो जाएगा, अब तो चुप हो गया। उसने अपना मंदिर में आया गुरु जी को ये बात बताई, गुरु जी ने कहा बेटा कोई चिंता मत कर मैं चलता हूँ तेरे साथ में, चलो तुम कथा करो, फिर उन्होंने वही बात बताया जो व्यक्ति ठाकुर का नाम जप करते हैं ये भव सागर से उधार हो जाते हैं। फिर तोता बोल पड़ा, बोले बाबा फिर दो बार वही झूठ मूठ का बात करते हो, इतने में वहीं पर गुरु जी खड़े थे, गुरु जी ने बताया भैया उसने झूठ क्या बताया सच तो बताया, बोले गुरु जी आप देखो ना ये छोटा सा पिंजरा में रहता हूँ सबको मैं राम राम कृष्ण कृष्ण बोलता रहता हूँ और यहाँ से तो उधार नहीं हुआ, पर भवसागर से कैसे उधार हो जाओगे। गुरु जी ने कहा देख बेटा तुमने जो नाम लिए है ना किसी सदगुरु से तुमने मंत्र नहीं लिया इसलिए तेरे को मुक्ति नहीं मिल रही है, बोले फिर आप मेरे कान में मंत्र दे दो, फिर गुरु जी ने उसको कान में मंत्र दे दिया और उसको कुछ अच्छी बात सिखाई, बोले देख बेटा जब तक तू इसकी अंदर में रहते हुए राम राम कृष्ण कृष्ण बोलोगे उधार नहीं होगा, बोले गुरु जी बता दो क्या करना, बोले आज एक काम करना जब ये कथा की विश्राम हो जाएगी तुम एक बहाना बनना जिस तुम्हारा शरीर छूट गया,
जब तेरी शरीर छूट जाएंगे फिर तेरे को वहां से निकालेंगे, फिर अर्थी सजा करके ले जाएंगे, जब ले जाएंगे ना फिर फहरे में तेरे को भी जाना। अरे वाह गुरु जी तो बढ़िया मंत्र दिलाया। जब कथा की विश्राम हो गई तोता ने तो शरीर छोड़ने का बहाने बनाया। अरे वाह तोता का जीवन धन्य है, भागवत कथा सुनते सुनते उसने शरीर छोड़ दिया, मतलब पूरा वैकुंठ चला गया, चलो इसको अर्थी निकालते हैं। पिंजरा से निकाले, अर्थी सजाया, सुंदर फूलों की माला दिए और कंधे पर रख कर राम नाम सत्य है गोपाल नाम सत्य, जब करते करते ले जा रहे थे ना, इतने में जो तोता था फर से उड़ गया। गुरु जी ने कहा क्यों बेटा, गुरु जी से नाम लेने से उधार होता है कि नहीं? बोला हाँ गुरु जी से नाम लेने से उधार होता है। हाँ इसलिए नियम है मंत्र गुरु जी से लेनी चाहिए, इसलिए उनका नाम गुरु। गुरु मतलब क्या? बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकार तस्य निरोधक, जो हमारी हृदय की अज्ञानता को दूर करके हृदय में दिव्य ज्ञान दिलाते। देखो एक चीज अच्छे तरह से समझो, अभी प्रश्न है हम अपने आप क्यों भगवान का नाम नहीं करें, पर ये नाम हमें ये गुरु जी से लेने का क्या जरूरत है? हमारे एक संत हुए, बहुत बड़े संत हुए, जिनका नाम था जीव गोस्वामी, उसी समय पृथ्वी का सबसे बड़े विद्वान सबसे बड़े संत थे। उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया, ये उदाहरण को समझो, आपसे एक प्रश्न करता हूं उत्तर देना। ऐसे कुछ वृक्ष है जो वृक्ष का बीज को अगर आप पेड़ से लेकर के लगाओगे ना वो पेड़ नहीं होगा, ऐसे कुछ वृक्ष है। आप बता सकते हो ऐसे कौन सा वृक्ष है जिस वृक्ष का बीज को लेकर के डायरेक्ट बोगे तो पेड़ नहीं होगा? आप बता सकते हो ऐसे कौन सा पेड़ है? सब इधर उधर देखो। हाँ देखो, जैसे बरगद का पेड़, जैसे पीपल का पेड़, आप कभी भी पीपल पेड़ को नीचे पीपल वृक्ष नहीं देखोगे, बरगद का पेड़ को नीचे बरगद पेड़ नहीं देखोगे। कहाँ देखोगे? किसी छत के ऊपर देखोगे, नहीं तो किसी पेड़ के ऊपर देखोगे। बोले क्यों? वो वृक्ष उगने का एक कारण है, जब तक उसको कोई चिड़िया नहीं खाए और चिड़िया का पेट में नहीं जाएगा, जब तक उसको बीट नहीं करेगा ना, पायखाना नहीं करेगा, तब तक उसको पेट वृक्ष नहीं होगा। इसलिए देखना एक वृक्ष के लिए तीन चीज की जरूरत है, पहले मिट्टी, पहले हवा, पहले पानी, तभी जाकर कोई पेड़ होगा, नहीं तो पेड़ नहीं होगा। लेकिन देखना ये बरगद पीपल का पेड़ ये छत के ऊपर में जहाँ पर पानी भी नहीं, जहाँ पर मिट्टी भी नहीं, वहां पर भी हो जाता है। देखो देखे कि नहीं, पीपल पर बरगद का पेड़ आप देखना इतने मजबूत होता है, कभी कभी ये छात को भी फाड़ देता है, इतने मजबूत होता है। बोले क्यों? बोले जब वो बीज किसी चिड़िया को पेट में जाकर के फिर वो पैखाना करता है, जाकर के वो पेड़ होता है, इसका ये नियम है। तो उसी तरह जो भगवत नाम है, जब तक किसी संतों के हृदय में नहीं जाए, संतों की हृदय में नहीं जाए, क्योंकि वो संतों जो भजन करता है वो भजन का शक्ति, वो नाम को अंदर में भजन का शक्ति आता है, जब फिर वो नाम देता है, मंत्र देता है, और ये मंत्र जाकर के साक्षात शिष्य का हृदय में भगवान की भक्ति की प्रेम की जागृत कर देता है, ये नियम है, हैं? इसलिए नारद जी किसका गुरु? वाल्मीकि का थे। वाल्मीकि पहले कौन था? दस्यु रत्नाकर था, वो डाकू था, लेकिन एक बार केवल नारद जी का दर्शन हो गया तो बड़ा पार हो गया, और जब बोला तू राम बोल, उसको मुझसे राम भी नहीं आता था, पाप कर्म किया था ना, बोले तुम मरा मरा तो बोल सकते हो, बात सुनने मरा मरा बोलते बोलते दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि हो गई, वाल्मीकि हो गई। इसलिए पता नहीं ऐसे नारद कितने जीव को उद्धार किया। इसलिए यहाँ पर कहते जो नाम है किससे लेनी चाहिए? किसी सदगुरु से ये नाम को ग्रहण करनी चाहिए। और जो सदगुरु है कहते चार वैष्णव संप्रदाय, श्री ब्रह्मा रुद्र और सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय, ये चार वैष्णव संप्रदाय से कोई एक संप्रदाय की साधु से मंत्र लेनी चाहिए। जो भगवान को निराकार कहते हैं वो क्या भगवान का नाम देंगे? वो तो भगवान को ही नहीं मानते, वो भगवान नाम क्या देंगे? तू तो ठाकुर को नहीं मानते, भगवान ने निराकार बोल दिया है। इसलिए जिस संप्रदाय में ठाकुर को सेवा पूजा होती है, भक्ति होती है, ये केवल ये चार वैष्णव संप्रदाय है, एक श्री संप्रदाय, एक श्री ब्रह्म संप्रदाय, एक शंकर जी से आए और तीसरा श्री चतुसेन से आए, ये चार वैष्णव संप्रदाय से
कोई एक वैष्णव संप्रदाय से अगर जुड़ेंगे अरे हमें वो भक्ति देने वाले ठाकुर को ये प्रेम देने वाले। इसलिए जमन मतलब क्या, बोले जमन है गुरु जी से मंत्र ग्रहण किया। अभी जमन डाल दिया क्या हो गया, दही जम गई, उसको बाद में उसको मंथन करो, बोले मंथन किया है, बोले गुरु जी से तो नाम ले लिया, माला ले लिया, अगर माला को लटका कर रखो तो क्या भगवान मिलेंगे, नहीं, वो माला को जप करना पड़ेगा, माला को नाम जप करना पड़ेगा, हैं, नियमित पूर्वक रोज रोज ठाकुर जी के नाम लेना पड़ेगा। ठाकुर के जब नाम को धीरे धीरे लेंगे, चेत दर्पण मार्जनम, धीरे 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 तुम्हारा चेत रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। भव महातावाग्नि निर्पापनम, भव संसार का दुख कष्ट दूर हो जाएगी, हैं, सारे जीवन का दुख कष्ट खत्म होकर के भगवान का नाम ही एक दिन साक्षात ठाकुर रूप में प्रकट होंगे। इसलिए उसको क्या करो, मंथन करो। मंथन मतलब होता है रोज नियम करके हरि नाम जप करो, नियम करके रोज नाम की माला को जप करो। ऐसे नहीं माला को लेकर लटका दिया, 3 घंटा टीवी देख रहे हो, बोले समय कहाँ भजन के लिए, ठीक है ना, माला को ठीक से हरिनाम करना, तभी तो मिलेंगे ना भगवान, मिलेंगे कैसे। कलयुग में सबसे सरल उपाय ब्रह्म का नाम, जब मंथन करोगे एक तरफ में छाछ और एक तरफ में मक्खन, ये मक्खन क्या, बोले प्रेम, ये मक्खन ये प्रेम, जब हृदय में ये प्रेम प्रकट होगा भगवान फिर दौड़ दौड़ करके आएंगे कन्हैया, दौड़ दौड़ करके आएंगे और तुम्हारी मक्खन को आरोगे, मक्खन को ठाकुर जी खाएंगे। यही श्री मक्खन चोरी का तात्पर्य है। और मक्खन किया बोले प्रेम, इसलिए कहते हैं ना, संत हृदय न बनी कसमाना, संत रास भी किया है ठाकुर जी, रास भी किया है। हाँ हरे कृष्णा, आज के सामने आ जाओ, देखो भगवान कृष्णा बंसी बट को नीचे ठाकुर जी रास भी रचाए। जब भगवान रास कर रहे थे, श्री सुखदेव गोस्वामी रास लीला से पहले उन्होंने एक श्लोक को बोले, बोले सावधान, क्या सावधान कर रहे हैं, कहते जो रास रचिया है ना ये भगवान कृष्णा, कौन है, भगवान कृष्णा ने रास रचाया। कोई कोई कहते ना क्या हम नहीं रास कर सकते, तो ठाकुर ही रास कर सकते, हम क्या नहीं रास कर सकते। भगवान जब रास रचाया, आपको पता है कितना गोपियां थी, बोले 100 करोड़, कितने कितने थे, 100 करोड़ थे। और जब कृष्णा द्वारका में गए शादी किए ना, कितने पत्नियां थी पता है, 16108। अगर किसको घर में 2 बीवी हो जाए ना, देखना घर में क्या होता है, घर में 3 बार घर में नाटक चलती है, घर में 3 बार नाटक चलेगी घर में। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक पत्नी की इच्छा पूरी नहीं कर सकता है, और इतने गोपियों को कैसे पूरी करेगी, ये ठाकुर ही पूरी कर सकते, कोई पूरी नहीं कर सकता है। देखो जब घर में शादी होता है, देखना बेटी जब अपना ससुर घर जाता है बहुत रोती है, रोती कि नहीं, आप लोग रोए थे, रोती है। एक समय जब शादी हुई वो बेटी बहुत रो रही थी, परिवार वाले समझा रहे थे, बोले बेटी मत रोआ करो, बीच बीच में हम भी जाएंगे, बीच बीच में तू भी चला आ रहा, रोआ मत, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। इतने में पत्नी ने कहा, ए क्यों रो रहे, चुप रह, रोती 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 जा रही। वो बेटी कहती है, जिंदगी में पहला बार मैंने रो ली, आज से मेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरू हो जाएगा।
कल से तेरा जिंदगी भर, आज पहला दिन रोया, जिंदगी भर तू रहोगे मैं नहीं रहूंगी। मतलब एक पत्नी को आप लोग घर की शादी किया ना, समझती होगी संसार को देखना कितना कठिन है, एक पत्नी की पालना करना कितने कठिन है आपको पता होगा हैं। और ठाकुर जी के पास में कितने पत्नी थे, 16108। हर गोपियां देख रहे कि मेरे पास में करना, मेरे पास में कृष्ण, हर गोपियां देख रही थी कृष्ण ही है। बोले एक समय एक व्यक्ति घर में दो पत्नी थी, पति दिन भर काम करता है, घर में जब आता है रोज घर में झगड़ा, महाभारत घर में शांति नहीं। उसने सोचा दो मंजिली बना देती हूँ, एक ऊपर और एक नीचे रहेगी तो झगड़ा नहीं होगा। लेकिन जो नीचे रहती ना वो पहले से ही खाना पीना बना करके सामने बैठी रहती है, और पत्नी पति आते ही जोर जबरदस्ती खींच कर घर में ले जाता है। ऊपर जो रहती है दिन भर परेशानी, ये रोज की झगड़ा। एक दिन जो ऊपर रहती थी बोले आज मैं मजा चखाऊंगा, वो भी बढ़िया खाना पीना बना करके नीचे आकर बैठ गई। जब पति आए ना उसको पकड़ कर बोले रोज रोज नीचे चले जाते हो, मैं ऊपर देख रह जाती, ऊपर चलो। जो ऊपर ले जा रहे थे ना हाथ पकड़ करके, जो नीचे थी बोले भैया मैं भी तो खाना पीना कर बैठ के रही हूँ, इसने मैं उसने टांग पकड़ ली और ऊपर पकड़ लिया हाथ, एक हाथ खींच रही और एक टांग खींच रही, और दोनों कहीं छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो बेचारा बीच में बड़ा मुश्किल में पड़ गया। इतने में एक चोर घर में चोरी करने के लिए आया था, बोले भैया घर में अगर दो पत्नी हो देखो कैसे नाटक होता है। इतने में बड़े देर में उसकी झगड़ा खत्म हुई। जब झगड़ा खत्म हुई पकड़ करके पुलिस के पास मिले गए, बोले बताओ बताओ इसको क्या सजा देगी। वो व्यक्ति कहता है भैया जो कुछ सजा देना देने के लिए तैयारी, लेकिन एक सजा मत दिया करो, मेरे घर में दो बीवी नहीं होनी चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण के कितने थे, 16108 तो द्वारका में। लेकिन जब भगवान कृष्ण वृंदावन में रास किया ना 100 करोड़ों गोपियों के साथ में, कितने करोड़, 100 करोड़ों के साथ में, हर गोपियां देख रहे थे कृष्ण मेरे साथ में। प्रभु जब द्वारका पर लीला कर रहे थे, हर महिषियों के पास में कृष्ण अलग अलग रूप में, एक ही कृष्ण नहीं थे। जब नारद जी गए हर घर में कृष्णों को देखा लीला करते हुए, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं उन्होंने चौपाशा खेल रहे हैं, अलग अलग रूप में नारद जी देखा, एक रूप में नहीं देखा। नारद तो बोले हे भगवान, भगवान 16108 रूप धारण किए हुए, इसका मतलब है अगर हमारी कोई इच्छा पूरी कर सकता है ना केवल ठाकुर ही कर सकते हैं। उनको जितने रूप में भजन करो, जैसे तुम लोग भजन करते हो, अगर कृष्ण एक घर में रहते तो दूसरे घर में कैसे आ रहे। अगर 100 करोड़ों भक्त अगर एक साथ में भगवान को पुकारे ना, ठाकुर जी एक साथ में सबको दर्शन देते हैं। ठाकुर जी एक साथ में भक्तों को दर्शन ठाकुर दे सकते हैं, ऐसे ठाकुर जी में समर्थ है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जब प्रारंभ करते हैं रास लीला, कहते रास रचया कोई जीव नहीं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक भगवान श्री कृष्ण चंद्र रास कर रहे हैं। बोले श्री रास रचया की जय। हां ये प्रभु जी अभी अब रास लीला सुनाएंगे। जय देव सुनाएंगे। ओम अज्ञानति मीरान्नस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति विदान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति विदान स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमन महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरुदेव का आदेश है कि मैं श्रीमद रासलीला के विषय में कुछ कह करके अपनी वाणी को पवित्र करूं। देखिए देखिए श्रीमद भागवत जी का प्राण है वो क्या है, किसी का तो कुछ प्राण होता है तभी तो वह जीवित मानी जाती है, वह उसके अंदर प्राण है तभी तो वह चेतना होती है उसमें। श्रीमद भागवत जी में प्राण क्या है, श्रीमद भागवत जी का प्राण है रास पंचाध्याय, the 5 chapters of रास, और रासलीला के अंदर जो विशेष प्राण है श्रीमद भागवत जी का वो श्री गोपी गीत। इसीलिए श्रीमद भागवत जी का जो विशेष प्राण है जो वो श्रीमद रासलीला है। इसीलिए अच्छा प्रश्न होता है कि श्रीमद रासलीला जो है भगवान ने रास क्यों किया,
अच्छा, लोगों का इस पर बहुत एक बहुत ज्यादा विचार है रास पर। अभी गुरुजी ने बताया कि भगवान रास कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये सब अनर्गल बातों को लेकर के रास को कहा जाता है। पर वास्तव में रास क्या है? देखिए, भगवान ने रास क्यों करी? सबसे पहले ये परम पवित्र लीला जो श्री भगवान की है वह रास लीला है। भगवान ने लीला क्यों करी? साफ साफ बात है, गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं, और सबसे पहले भक्तों में, भक्तों की श्रेणी में यदि किसी को गिनती की जाती है तो वह गोपियां ही हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियों का मन श्री, गोपियों को परम सुख देने के लिए श्री भगवान ने रास किया है। अपने भक्त की इच्छा पूरी करने भगवान ने रास किया है, भगवान की ये लीला। अच्छा, एक और बात बताइए, इसको अनर्गल शब्दों से, इस रासलीला को अनर्गल शब्दों से डोनेट किया जाता है, अनर्गल शब्दों से इसको सज्जित किया जाता है। आप एक बात बताओ, यदि आपसे कोई कहा जाए कि आज ये वाली मेडिसिन है, ये वाली मेडिसिन इस बीमारी की, आपको मानो वो बीमारी है, तो आपको डॉक्टर ने कहा कि ये वाली मेडिसिन ले लो, उससे ये खत्म हो जाएगी बीमारी, तो आप एक बात बताओ, क्या वो मेडिसिन वैसी हो सकती है कि वो आपको और बीमारी वो ही लगा दे? जो मेडिसिन, जो दवाई उस बीमारी का, उस रोग को मुक्त करने के लिए है, वह रोग से युक्त कैसे हो सकती है? ऐसे ही जो रासलीला, जो रासलीला काम को खत्म करने के लिए है, वासना को खत्म करने के लिए है, उस रासलीला में वासना और काम कहां से आ सकता है? रासलीला की फलश्रुति है, विक्रीडितं ब्रजवधु विरिदं च विष्णु श्रद्धान्नतोनु सुनयादत वरण यद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य काम हृदरो गमस्वपहिनोत्तिचिरेण धीर। भगवान की रासलीला श्रवण करने से पराभक्ति की प्राप्ति होती है, पराभक्ति की प्राप्ति होती है, और हृदरोगमस्य, हृदय का सबसे बड़ा रोग काम है, उसको स्वपहिनोत्य चिरेण धीरा, और धीरे धीरे करके रासलीला के श्रवण से खत्म होता है। रासलीला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रीमद् भागवत जी का। पंच प्राणेति रासस्य, पांच प्राण है, रसानाम समूह, ये दिव्य रसों का समूह है रासलीला। रसायाम समूह यस्य सह रासलीला, रसों का समूह है, श्री भगवान की परम मंगलमय लीला है रासलीला। आइए इसको श्रवण करते हैं, पहले श्लोक पे चलते हैं। भगवान अपि तारात्री शरदोत फुल्ल मल्लिका। एक बात सुन लीजिए, जब रासलीला परीक्षित जी को सुखदेव सुना रहे थे तो पहले ही सावधान कर दिया कि भैया एक बात सुन ले, ये जो रासलीला कोई और नहीं कर सकता, श्री कृष्ण ही कर सकते। क्यों? क्योंकि वे ही भगवान है। भगवान अपि तारात्री, जिनके अंदर षडैश्वर्य जो संपन्न है, श्री कृष्ण ही केवल श्री भगवान यही रासलीला कर सकते हैं, और कोई देवी देवता या अन्य कोई रासलीला को नहीं कर सकता। तो आप सोचो, लोग कहते हैं हम क्यों नहीं कर सकते, अरे मूर्ख, श्री कृष्ण ने तो गिरिराज भी उठाए थे, जरा एक 10-15 किलो का भाटा उंगली पे उठा करके तो देख, तेरी नानी ना याद आ जाए। तो इसीलिए भगवान ही केवल रासलीला कर सकते हैं। भगवान अपि तारात्री शरदोत फुल्ल मल्लिकाः विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः तदोडुरो राजः ककुवर्धन प्राच्छान लिम्पन्न रुणेन संतमय विवर्चिनीनां मुदगा चुचो प्रियं प्रियाय इव दीर्घदर्शयन् दृष्ट्वा कुमुत्तव खंड मंडलम रमाननाभम्यः कुंकुमारुणं वनं च तत्त्वो मलगोभिरञ्जितं जगौकलं वामदृशं मनोहरं निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं ब्रजस्त्रिया कृष्णगृहीत मानसा आजकमुरण्यन्मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुण्डला दुहन्त्यो भीययो काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधी षत्वसंयाम मर्दवश्च परायो परिवेशयन् धित्वा पारयन्तः शुशुण्पयः शुश्रूषन्निं पतिं काश्चित् अश्यन्यो पाश्यभोजनं लिम्पन्त्य प्रमृजन्तुन्या अञ्जन्तः काश्यलोचने व्यक्तस्त वस्त्राभरणात् काश्चित् कृष्णान्तिकमययो तावर्यमाना पदवि पितृवि भ्रातृबन्धुवि गोविन्दात्मानं नग्नवर्तन्त मोहिता अन्तर्मेघ्रेदा काश्चित् गोप्यो लब्धवि निर्गमाः। पहले इतना सुन लीजिए, रासलीला के जब शुरू भगवान ने के भगवान अपि तारात्रि, भगवान ने विशेष विशेष रात्रि को आमंत्रित किया है। ये जो लीला हुई है इसके लिए साधारण रात्रि नहीं है, ब्रह्म रात्रौ विचार्यैव, भगवान ने रात्रि का आवाहन किया है। 6 महीने की रात है,
ब्रह्मरात्रि ब्रह्मरात्रौ विचार्य एव शरदोत फुल्ल मल्लिका, दिव्य शरद की दिव्य ऋतु है। विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम्बुपाश्रिताः। अच्छा, श्री कृष्ण अकेले नहीं कर सकते रासलीला, पहले योग मायाम्बुपाश्रिताः श्री राधा रानी का वंदन किया है कि राधा रानी आप पधारिए रासलीला में, और रासलीला में आप आइए, आपका स्वागत है। शरदोत फुल्ल मल्लिकाः विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम्बुपाश्रिताः। भगवान ने वंशी का निना। अच्छा, आप सारी देखो, सारे के सारा एनवायरनमेंट हो गया, रात्रि आ गई, उसके बाद सारा श्री कृष्ण ने सारे अरेंजमेंट किए, और उसके बाद श्री राधा रानी का पादार्पण हुआ है। अब गोपियां आनी बाकी है, अब गोपियां आ रही है रासलीला में। भगवान ने क्या किया गोपियों को बुलाने के लिए? बंसी बजाई है, वंशी बजाई है भगवान श्री कृष्ण ने। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा आजग मुरण्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। निशम्य गीतम, शाम्या नाम निशम्य, और क्या बचाया है? क्लीम, क्लीम शब्द बजाया है श्री कृष्ण ने वंशी में। ककारो नायिका कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह इकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणी। श्री राधा रानी को ही वंदन करके बुला रहे हैं। तो गोपियों की वंशी पहुंची। अब देखिए इस झांकी को देखिए, कैसे वंशी पहुंच रही है गोपियों के। सबसे पहली गोपी दूध निकाल रही गाय का। दुहंत्यो भी ययो काश्चित् तोहं हित्वा समुत्सुका पयोधीशत्व संयाव मर्दवाशा परायो। पहली गोपी गाय का दूध निकाल रही, वंशी बजाई भगवान ने, वंशी पहुंची है गाय गोपी के घर, दूध निकाल गोपी। वंशी ने कहा, अरे गोपी क्या दूध निकाल रही है, चल तुझे श्री कृष्ण बुला रहे हैं। गोपी ने कहा, अच्छा श्री कृष्ण बुला रहे? हाँ श्री कृष्ण बुला रहे हैं। गोपी थोड़ी सी आगे छोड़ करके बाल्टी को आगे बढ़ी, लेकिन फिर पीछे देखा कि आधी बाल्टी दूध निकाल लिया मैंने, तो अपने हाथ से उस आधी बाल्टी दूध को बिखेर दिया। वंशी ने पूछा, अरे गोविंद बुला रहे हैं, कोई बात नहीं, आधी बाल्टी दूध निकाल लिया, कोई बात नहीं, लेकिन इसको फैला क्यों दिया? गोपी ने कहा, श्री कृष्ण के साथ रास करते करते करते, श्री कृष्ण को देखते देखते, भगवान का मंगलमय दर्शन करते करते, यदि बीच में ये आधी बाल्टी दूध याद आ जाता तो उतनी देर के लिए मैं कृष्ण रस से वंचित हो जाती, तो मानो समस्त इंद्रियों का परित्याग करके गोपी कृष्ण दर्शन के लिए भागी है। उसके बाद दूसरी गोपी आंखों में काजल लगा रही थी। अंजंत्य काश्यलोचने व्यक्तस्त वस्त्राभरणात्। जैसे ही वंशी बोली, वंशी ने कहा चल गोपी चल, बुला रहे हैं श्री कृष्ण। तो क्या किया, जैसे ही गोपी ने सुनी ठाकुर जी बुला रहे हैं, तो अस्त व्यस्त वस्त्रों को करके भागी। वो काजल लगा रही थी और इतनी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हुई कि ठाकुर जी मेरे कृष्ण बुला रहे हैं, कृष्ण बुला रहे हैं। धन्य है गोपी का प्रेम, इसीलिए तो गोपी प्रेम की ध्वजा है। गोपी तुरंत आंखों में काजल लगा रही थी, अपने काजल को बिल्कुल पोत लिया मुंह पे, अस्त व्यस्त वस्त्राभरणात, अस्त व्यस्त वस्त्रों को करके भगी। गोवंशी ने पूछा, अरे श्रृंगार तो ठीक से कर ले। तो गोपी ने कहा, श्रृंगार क्या कर लूं, अरे एकमात्र मेरा गोविंद ही तो ऐसा है जो ये नहीं देखता कौन काला है कौन गोरा है कौन मोटा है कौन पतला है, वो तो केवल एक ही देखता है कि उसके दिल में मेरे लिए प्रेम कितना है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूपम अधिकम किम तत् सुधान्नो धनम वंशः को विदुरस्य यादव पतैरुग्रस्य किम पौरुषम। अरे भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणै भक्तप्रियो माधवम। अगर व्याध ने, अगर भगवान देखते आचरण, तो व्याध का क्या आचरण था जिसने भगवान के चरणों में बाण मारा? अगर अवस्था देखते तो ध्रुव जी की क्या अवस्था थी, प्रहलाद की क्या अवस्था थी? अगर धन देखते तो सुदामा के पास क्या धन था? अगर अगर भगवान शरीर को देखते तो हाथी का क्या शरीर था? लेकिन भगवान कुछ नहीं देखते। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणै भक्त प्रियो माधवम। अरे उसके दिल में मेरे लिए प्रेम कितना है, मेरे लिए वही बहुत है। भगवान प्रेम को देखते हैं। गौरांगो बोलिते अबे पुलक शरीरे हरी हरी बोली थे, नहीं नहीं बबे नीर। भगवान तो केवल प्रेम को ही देखते हैं।
इस कारण से दूसरी गोपी, तीसरी गोपी अपने 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 पति और बच्चों को खाना परोस रही थी। दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधि शत्र संयावा मर्दवश्च परायो, परिवेशन कर रही थी, परिवेशयन्तित्वा पारयन्तः शुशुन्पयः। तो जैसे ही वंशी पहुंची, अरे क्या परिवेशन कर रही है, चल तो गोविंद बुला रहे। हाथ में छबड़िया में पूरी थी और पूरी को छोड़ करके, खाना है तो खाओ, नहीं खाना हो तो मत खाओ, मैं तो गोविंद से मिलने जा रही हूं। तुरंत गोपी चल दी, एक गोपी को जाने से रोक लिया। परिवेश यंधित्वा पारयन्तः शुशुन्पयः शुश्रूषन्निं पतिं काश्चित् अश्यन्यो पाश्य भोजनम्। अरे लिम्पन्त्य प्रम्रजन्तुन्या अञ्जन्त्य काश्यलोचने व्यक्तस्य वस्त्रा वर्णा काश्चित् कृष्णान्तिकमेयो तावर्यमाना पतिवि पितृवि भ्रातृबन्धुवि गोविन्दात्मानं नग्नवर्तन्त मोहिता अन्तर्मेघृता काश्चित् गोप्यो लब्धवि निर्गमाः। एक गोपी को जाने से रोक दिया, अरे तू नहीं जाएगी, कोई बुला रहा हो जाए। गोपी ने कहा, ये तेरी, ये शरीर तेरी माता है ना, ये शरीर तेरी पत्नी है ना, ये शरीर तेरी पुत्री है ना, ये शरीर तेरी बहन है ना, ले मैं इस शरीर का ही परित्याग करती हूँ और श्री कृष्ण नाम स्मरण करते हूँ। गोपी अंतर भावना से रास में पहुंच गई। इस कारण से अलग अलग गोपी जा रही है। जैसे ही जा गई गोपी, तो सारी की सारी गोपी पहुंची है भगवान के पास। श्री कृष्ण खड़े हैं, राधा जी खड़ी हैं, और आज जैसे श्री कृष्ण खड़े हैं तो भगवान ने स्वागत किया। अरे आओ आओ गोपी, आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा, स्वागत है। स्वागतम भू महाभाग प्रियम किम करवाणी वा ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम रजन्नेशा घोर रूपा घोर सप्त निषेधिता प्रतियाद ब्रजन्नेह स्त्रेहम श्री भी सुमुद्यवा मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्चव विचिन्वन्ति पश्यन्तु मा कर्त्यबन्धु सत्पशम। अरे गोपियों, महाभाग्यवतियों, तुम्हारा स्वागत है, क्यों आई हो? गोपियों के दिमाग खराब हो गए, पहले तो बुला लिया बंसी बजा करके, अब कह रहे हो क्यों आई हो? तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुम आ गई, कोई बात नहीं। तो भगवान ने पहले रास किया है, देखो ध्यान दो इस बात पे, पहले महारास नहीं हुआ, पहले रास किया है भगवान ने। सिर्फ भगवान ने गोपियों के साथ पहले नाचा है। दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, दो दो गोपी है, बीच में श्री कृष्ण है। लेकिन नाचते नाचते गोपियों के मन में अहम आ गया, मद आ गया, आहा जो साक्षात इतने सुंदर स्वरूप है, जिनका त्रिलोकी के स्वामी है, ऐश्वर्यवान है, ऐसे दिव्य सुंदर प्रभु है, अरे इनके साथ हम नाच रही है, कितनी सौभाग्यशाली है। अहंकार आ गया, भगवान श्री कृष्ण को अहंकार पसंद नहीं, मद पसंद नहीं। मद चक्रवर्ती पाद इसी श्लोक पे कह रहे, मदश्च मद एव च, क्या तो गोविंद रहेंगे हृदय में, क्या मद रहेगा। काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो, काजल को दाग भाई लागी है पे लागी है। अगर हृदय में मद होगा तो फिर कहां प्रेम होगा। तो भगवान ने कहा, इन गोपियों को मद आ गया, कोई बात नहीं, मैं हटाता हूं इसका मद, इनका मद ही हटाता हूं। भगवान उसी रास लीला के बीच में से अंतर ध्यान हो गए। अंतर हिते भगवते सहसे ब्रजांगना अतप्यह समचाणक्षः करण्याइव यूथपम, उसी यूथ के बीच में श्री कृष्ण गायब हो गए। अब जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए हैं, गोपियों गोपियां समझ गई हैं, अरे श्री कृष्ण कहां गए आप, श्री कृष्ण कहां गए आप, हे प्रभु आप कहां गए, कहां गए, कहां गए। गोपियों की दशा बुरी हो रही है। अब राधा रानी को लेकर के श्री कृष्ण चले गए हैं, राधा रानी के साथ श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए हैं। थोड़ी दूर गए श्री कृष्ण, राधा रानी ने सोचा, भैया गोपियां भगवान की भक्त हैं, गोपियां बहुत प्रेम करती है ठाकुर जी को, और श्री कृष्ण को मिलना है, उनको मिलेंगी नहीं तो वे उनका प्राण विसर्जन, अपना प्राण कैसे धीर धारण करेंगी गोपियां। तो राधा रानी ने कहा, गोपियों को मिलवाना है ना श्री कृष्ण को, तो मुझे भी जाना पड़ेगा गोपियों के यूथ के साथ। तो इसलिए इसलिए राधा रानी ने मन में संकल्प किया कि मुझे श्री कृष्ण विरह चाहिए, तो भगवान राधा रानी को भी छोड़ करके चले गए। यहाँ पे ये बात याद रखिए, श्री कृष्ण राधा रानी को नहीं छोड़े, लेकिन राधा रानी की यहाँ इच्छा है, क्योंकि गोपियों को श्री कृष्ण से मिलवाना है। कहते हैं ना, राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे, राधे राधे बोल श्याम भाजे चले आएंगे, अरे एक बार आ गए फिर कब हू नहीं जाएंगे, एक बार आ गए फिर कब हू नहीं जाएंगे। इस कारण से राधा रानी के कारण ही सब हम सबको श्री कृष्ण मिलेंगे। राधा कृष्ण की उपासना ही सर्वोत्तम
उपासना है। लोग केवल कृष्ण की उपासना करते हैं, गलत है महाराज। शक्तिमान की क्या उपासना करोगे भाई बिना शक्ति के? इसीलिए राधा सहितो श्री कृष्ण तौ रूपम अहम भजे। इस कारण से जब विफला हो गई गोपी कहाँ है, तो समस्त राधा रानी के साथ सारी की सारी गोपियों ने सबसे पहले बुलाया है। हाना हानाथ रमण प्रेष्ठ हा, क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणायामी सखे दर्शय सन्निधिम। सारी गोपियों ने गोपी गीत गाया है। जयति ते धिकम जन्म ना ब्रजहा शयत शश्वत द्रही तैल दृश्यता भागवत जी के। जो नित्य प्रति गोपी गीत का पाठ करता है उसको श्री कृष्ण मिलते ही मिलते हैं। राधा रानी सहित गोपियों के गाया हुआ मधुरम गीत है श्री गोपी गीत। गोपी गीत को गाया है, उसके बाद जब गोपी गीत सुना है तो ठाकुर जी विफल हो गए कि अब तो आना ही है, तो भगवान पूरी की पूरी गोपियों के युद्ध के मध्य प्रकट हो गए। तासाम मध्य दयोर दयोर श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की। भगवान प्रकट हो गए बीच में और गोपियों ने श्री कृष्ण से वार्ता करी है। उसके बाद रास नहीं महारास हुआ है। पादन्यासई भुजति विश्वस्मितई भ्रूविलासई भज्जन मध्यै चलकुटपटई कुंडलई गंडलोलई सद्यन मुख्य कवर रसना ग्रंथय कृष्णमद्दो गायंतस्तई तड़ितई वता मेघ चक्रे विरेजु। दोई दोई गोपी बिच बिच माधव, दोई दोई गोपी बिच बिच माधव, अंगना मंगना अंतरे नंदना माधवो माधवम चांतरे नंगना इत्यमा कल्पिते मंडले मध्य का रात्रिगो वेणुर श्री यशोदा नंदना। दोनों दो गोपी बीच में माधव जी, रासेश्वरी श्री राधा रानी और रास बिहारी श्री कृष्ण और समस्त गोपियों को प्रणाम करते हुए रासलीला संपन्न हो। रास बिहारी भगवान की जय। नाचने वाला था। आज देखो देखो कल है कथा का विश्राम का दिन। कथा कभी समाप्त नहीं होता है, कथा विश्राम होती है। लेकिन कल हमारे भक्तों का प्रार्थना है, कल है भंडारा भी है, सभी के लिए प्रसाद का व्यवस्था। ये लोग सोच रहे अगर शाम को कथा होगी लेट होगा तो प्रसाद लेने का रात में कोई प्रसाद माने नहीं आएंगे। इसलिए कल कथा कितने बजे? 10 बजे 9 बजे कहते कहते 9 बजे कथा 9 बजे बोले तो 10 बजे आएंगे और बाहर से। इसलिए कल सवेरे 9 बजे कथा होगी और दोपहर को कथा को विश्राम हो जाएगी, उसको बाद में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, ठीक है। और कल यज्ञ करवाना, यदि कोई आप हवन है, पहले तो बोला नहीं कहता अभी हवन है, हवन है, हाँ कल हवन भी है और कल भगवान रुक्मिणी का विवाह भी कल है, हैं। और कल से सुदामा जी का भी कथा है, इसलिए भगवान कृष्ण का कल शादी है। इसलिए शादी में जैसे चमक धमक पहन कर ही जाते हैं ना, कल बांके बिहारी का शादी है ना, ठाकुर का शादी है, एकदम लाल लाल रंग के जिस शादी में जैसे कपड़े पहनते ना चमक धमक, इसलिए शादी का कपड़ा सब निकालना अंदर में, बहुत दिन से अलमारी में खराब हो रहा है सब निकालना। कल ठाकुर जी का शादी है, बढ़िया बढ़िया लाल लाल रंग के सुंदर सुंदर सबके सब कपड़े पहन कर जाना। और कल सुदामा जी का भी चरित्र है सुदामा जी का चरित्र, इसलिए आप लोग हो सके तो अपना घर से कुछ चावल ले आना, बाद में यही कथा से हम आपको थोड़ा थोड़ा चावल दूंगा, वो चावल यहाँ से ले जाना और कपड़े में बांध करके और उसमें कुछ सिक्के रख करके ठाकुर घर पे रख लेना मंदिर में। फिर माल रखने की जैसे 2 मुट्ठी चिड़वा दिया ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया था, आप थोड़ा थोड़ा चावल लाना, मैं यहीं से थोड़ा थोड़ा चावल दूंगा आपको लेकर के मंदिर में चावल रख लेना। और कल श्री रुक्मिणी का शादी भी है,
इसलिए अगर कोई रुक्मिणी विवाह में साड़ी देना चाहते हो, अगर कोई बढ़िया साड़ी दोगे, पर हम वृंदावन में राधा रानी को अपना मंदिर ही है और मंदिर में राधा रानी को हम साड़ी पहनाएंगे। अगर अच्छे कोई साड़ी दोगे तो जो ला सके कल, आप लोग साड़ी भी ला सकते हो, ठीक है। कल कथा की मिश्रा में ही आप लोग टाइम से आओगे तो मैं लास्ट में एक सुंदर कथा सुनाऊंगा, क्योंकि जिन लोगों ने पूरी कथा नहीं सुन पाए, आधी सुने, बीच में आए, वो कथा इतनी सुंदर कथा है। जब ये कथा की विश्राम हुई उसी समय में उत्तरा का माँ परिमा उत्तरा भी वहीं पर बैठी। एक बेटा शरीर छोड़ने वाले तक्षक दर्शन करेगा, जब उनको उसको बाद में कथा को विश्राम को बाद में उत्तरा वो प्रश्न करती परीक्षित महाराज, बोले बेटा ये सुखदेव गोस्वामी सात सात दिन तक कितना कितना किया क्या कथा सुनाए, मेरे पहले में तो कुछ पढ़ाई नहीं, मेरे समझ में नहीं आया, इसलिए मेरे लायक कुछ तो कथा बोल दे जिसे कम से कम मेरे को पता चले ये क्या बताना चाह रहे, फिर मैं जीवन में आचरण में ला सकती हूँ। फिर उन्हें थोड़ी समय में एक सुंदर कहानी सुनाई जिसका नाम कहते बृहद भागवत अमृतम, भागवत बृहद, उसकी सार रूप में कथा सुनाए। अगर वो कथा को कोई सुन लेगा ना, सात दिन जो कथा नहीं सुने उसका फल आपको मिल जाएगा। इसलिए कल आप लोग कोशिश करना, जिन लोगों ने आधा सुनी नहीं तो बीच में आई सुनी नहीं, जरूर कल ये कथा को सुनना, सुनने से पूरी कथा सुनने का आपको फल मिल जाएगी, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक सुंदर भजन गाएंगे और हमारे प्रभु जी सत्कर में रत्न करना, फिर और भी पता करना। अकेलो सावरिया रिया अकेलो सावरिया ओ दोई दोई
कृष्णा।